सेकंड। साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस वेबिनार में, जैसा कि हम लोग कोई ना कोई अपनी कमेटी की एक मीटिंग करते हैं हर माह, तो इस बार ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से जो एक मैनेजमेंट की ये मीटिंग हो रही है, उसी श्रृंखला में हम लोग ये मीटिंग आज कर रहे हैं। और इस मीटिंग में आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हमारे साथ डॉक्टर SP वर्मा हैं। आप आज हमको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में ब्रीफ करेंगे। क्या है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, किस तरह से ये हम लोगों के लिए लाभप्रद हो सकती है, हम लोग किस तरह से इस तरह की लीडरशिप को डेवलप करके, क्योंकि बिना लीडरशिप डेवलप करे, और ख़ास तौर से हम लोग जहाँ MSME में हैं, हम लोगों की छोटी टीम होती हैं, बहुत काम का लोड हम लोगों के खुद के ऊपर होता है, तो जब तक हम लोगों की टीम डेवलप नहीं होगी, तब तक हम लोग अपने काम को एक्सपेंड नहीं कर सकते। उसी संबंध में आज की इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत फ्रूटफुल मीटिंग होगी और हम लोग ज़रूर आज कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर आ जाएंगे। तो मैं अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी के चेयरपर्सन श्री YK गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि सबसे पहले आप डॉक्टर SP वर्मा जी का इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज की ये मीटिंग भी आप ही द्वारा आयोजित की जा रही है, आप ही के सहयोग से आयोजित हो रही है, तो इसमें आप थोड़ा सा इसके बारे में और वर्मा जी के बारे में ब्रीफ कर दें, तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। YK गुप्ता जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। आगे बढ़ने से पहले मैं समझता हूँ अपने अध्यक्ष महोदय का आशीर्वाद लेने सर सर गुप्ता जी एक मिनट जरा सा होल्ड करिए प्लीज। ज्योत्सना, आप मुझे सुन पा रही हैं? अच्छा। जरा आप एक बार सब लोगों को म्यूट करेंगे, पीछे से कुछ डिस्टर्बेंस है। जी के आशीर्वाद वचन से शुरू करेंगे सर। मेरा अध्यक्ष जी से निवेदन है कि थैंक यू गुप्ता जी एंड थैंक यू अश्वनी जी। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोगों ने एक जो ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट का एक ग्रुप अपना फॉर्म किया था, जिसके चेयरमैन मिस्टर YK गुप्ता है, उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, और एक हमारे बीच डॉक्टर SP वर्मा जी जैसे एमिनेंट स्पीकर को लाए हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। IAEA का ये जो हमारा ग्रुप है, इसके बारे में डॉक्टर SP वर्मा जी को मैं थोड़ा चाहूँगा। हम लोग अपेक्स बॉडी है MSME की, एंड अबाउट 10,000 मेंबर्स ऑल ओवर UP, दिल्ली एंड उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में हमारा ज्यादा मेंबरशिप है, लेकिन यूपी जो है हमारा फोकस्ड एरिया है, एंड द मैक्सिमम हमारे MSME सदस्य जो है वो वहां से हैं। दोनों तरह MSME की डेफिनेशन के बारे में मैं बताऊं, क्योंकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसकी डेफिनेशन को अगर जो हम देखें तो माइक्रो लेवल की इंडस्ट्री, यू कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम इटसेल्फ, बहुत छोटी बहुत सूक्ष्म इंडस्ट्रीज होती हैं। 5 करोड़ का टर्नओवर वाली एक इंडस्ट्री, जो कि इसमें 99.85% है MSME के अंदर। और दूसरा जो दूसरी हमारी एक स्मॉल इंडस्ट्रीज है, वो भी बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी हाल की डेफिनेशन से वो थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट बन गया, और वो भी करीब काफी है, लेकिन उनका 50 करोड़ का टर्नओवर होने की वजह से नाउ दे आर इन द बेटर पोजीशन। और तीसरी मीडियम है, मीडियम बहुत कम है, और वो एक तरह से कॉर्पोरेट कल्चर में काम करती है। तो MSME एक ऐसा ग्रुप है जो कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में देता है,
एंड आफ्टर एग्रीकल्चर हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जनरेट करते हैं, वो एमएसएमई से ही मिलता है. एंड एक्सपोर्ट बहुत अधिक है, जीडीपी पे भी हम लोगों की बहुत अच्छी भागीदारी है. मैं इसलिए ये थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर रहा हूँ कि जो क्योंकि टॉपिक आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारी जो लीडरशिप है ज्यादातर एरिया में तो हमारी एक ही प्रोप्राइटरशिप कह दीजिए या एक आदमी का शो कह दीजिए या कुछ फैमिली के लोग मिलके काम करते हैं. एंड नेक्स्ट ऑफ कोर्स जो स्मॉल इंडस्ट्रीज आती हैं या मीडियम इंडस्ट्रीज आती हैं वहां पर हमें इसका बहुत रेलिवेंस नजर आता है. बट इन माइक्रो इंडस्ट्रीज ऑल्सो जनरेशन टू जनरेशन ये काम चलते हैं तो वहां भी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है. तो मैं समझता हूँ कि आपका जो आज का टॉपिक होगा उसमें कहीं ना कहीं आप उन चीजों को जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे. और डॉक्टर साहब मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे बदलाव आ रहा है समय का और समय के बदलाव के साथ साथ हमारे बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, समाज में भी बहुत रिफॉर्म आया है, हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत रिफॉर्म आया है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन किस तरह से होनी चाहिए, पहले हम लोग किस तरह से एक कन्वेंशनल मेथड से काम करते थे, नाउ वी हैव स्विच्ड ओवर टू द अदर थिंग्स आल्सो. मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द थिंग जहां पे हमें मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी के बेस पे हम आगे बढ़ सकते हैं और वही हमारे लिए फायदेमंद है. तो पूरे विश्व में हमें ग्लोबली कॉम्पीट करना है, इसलिए हमारी सरकार जो आजकल है वो दे आर प्रमोटिंग आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है दे आर प्रमोटिंग एमएसएमई और उनका फोकस भी एमएसएमई के ऊपर है. तो हमें ये जरूर अपने ध्यान में हमें रखना पड़ता है जब हम लोग बैठ के बात करते हैं, चर्चा करते हैं और गवर्नमेंट के योजनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं. तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की तरफ अगर जो हमें जाना है तो क्या क्या ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन या यू कैन से रिफॉर्म होने चाहिए अदर देन द पॉलिसीज एंड कंप्लाइंसेस जो गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस है उनसे अलग हम लोग को किस तरह से मैनेज करना चाहिए अपनी इंडस्ट्री को और उसमें हमारे यंगस्टर्स का या नए लोगों का क्या रोल होगा, नई टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा, जो नई नई हमारी चीजें आ रही हैं जो ग्लोबली हमें अपने आप को उन प्रतिस्पर्धा में लाना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस आपके टॉपिक के अंदर निहित है. तो मैं तो ये मानता हूं कि दिस इज वेरी वेरी रेलिवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल वी पीपल. एमएसएमई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आवश्यक हो गया है आज की समय में. इतना कह ये जरूर कहना चाहूंगा आत्मनिर्भर भारत का जो एक हमारा माने मुख्यमंत्री जी का माने प्रधानमंत्री जी का जो एक स्वप्न है उसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का बहुत अहम रोल है आने वाले समय में. हमारी और हमारे जो युवा बेरोजगार जो पूरी समाज के अंदर है वो कहीं ना कहीं एक बहुत मुख्य भूमिका में आने वाले हैं और उसके लिए हमारी एसोसिएशंस लाइक आईआईए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हम लोगों का भी बहुत जिम्मेदारी बनती है. तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पहले हम लोगों को अवेयर होना चाहिए. उन चीजों से अवेयर होने के लिए हमारी एक ग्रुप बना है जिसका संचालन वाई के गुप्ता जी के द्वारा होता है और ही इज चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी और उन्होंने आपको हमारे बीच लाए हैं. मैं उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा वाई के गुप्ता जी का कि उन्होंने आप जैसे स्पीकर को हमें हम लोग सुन सके उन्हें और उनसे कुछ हम ले सकें और अपनी इस इंडस्ट्री को आगे आने वाले समय में उसके अनुकूल बना सके. समय के अनुकूल हमें बदलना पड़ेगा ये हमें सबको ज्ञात है और हम उसको बदलने के लिए कटिबद्ध भी हैं. लेकिन चीज ये है कि हमें कहाँ से गाइडलाइंस मिले, किस तरह से हम लोगों को बातें पता लगे, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए अपने जीवन में, वो आप अपने वक्तव्य के माध्यम से मैं समझता हूँ कि हम लोगों को एनलाइटन करेंगे. इन्हीं शब्दों के साथ हमारे मनोज अग्रवाल जी हमारे बीच है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और हमारे सीनियर गणेश चतुर्वेदी जी, सुनेजा जी और अन्य लोग जो मैं जिनको अभी देख नहीं पा रहा हूँ सब हमारे बीच उपस्थित है, मेरे साथी मेरे सहयोगी हमारे बीच उपस्थित है. मैं उन सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उनका वेलकम करता हूँ
और साथियों आज ये बहुत ही एक हर्ष का विषय है कि डॉक्टर एस पी वर्मा जी हमारे बीच है, तो हम उनसे अपनी बात मन की बात भी उनके सामने जरूर शेयर करेंगे। तो इन शब्दों के साथ पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम रियली डिलाइटेड टू हैव डॉक्टर एस पी वर्मा विद अस दिस फोरम। एंड आई वुड लाइक टू गिव हिज अ लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन। He is a corporate trainer and management consultant, having an experience of 38 years in different areas of human resources management, industrial relations, training, education, administration in public as well as private sectors. And he has been executive director of the national training, the highest body, and that is ISTD Delhi. And he has worked on a very senior position in India Tourism Development Corporation. He has worked in the Bharat Electronics Limited, Ministry of Defense Organization, Jindal Steels, JK Cement Works, and he has been associated with Productivity Council, and right now is the principal consultant to the our this your National Productivity Council here. So he is actually having a wide experience, practical as well as theoretical, because he writes a lot of books, write of things, and he did his PhD basically, and the very very interesting subject of the relevance of Chanakya to the modern management. So he is a man of strategy basically. So we would like to have some strategical points from him also. So to brief about the today's program, actually, see, look, the industrialist, owner, proprietor, director, whosoever is running the industry, he is a basically leader. So there is a requirement for holistic development of a owner. Now, stepping towards that only, everybody is leader and he is expert undoubtedly. But as our president sir has told, there is a need of change, there is a need of some technological change, trainings and all that to cope with that. So, a leadership quality, what is required today? There is a need to every employer to empower employees and nurture them to change. Basically, it is the duty of the employer to bring change and empower the employees, and he should be a strong role model for the employees. And he should create a vision amongst the employees, basically. He has to act as a change management and implement new directions. He's required to be as a social architect. He should have the ability to inspire and motivate the employees. So this is the leadership. And leadership is, visionary and architectural. Visionary and architectural, they have to run both in a combined way, because it is not that you have a vision only. If you don't convert into the reality by architecture, the leadership will not be getting a success. So now the job of a leader is to basically to convert the vision into reality. So how it will be converted? By setting up a goal, focusing on it, removing obstacles and achieve it basically. Small things matters very much, and we should not ignore that. That is the important message. And so what are the competencies required for the transformational leadership, and what are the qualities of a leader? We would be having guidance from Dr. S.P. Verma for that. And he will give us a roadmap for this inculcating the holistic leadership in the employers. So that roadmap we will be getting from Dr. Verma. And not taking much time, I would request Dr. Verma to please deliver and guide us and give us his practical experience, as well as what are the tips basically the employer should have in the present scenario. Thank you very much, Dr. S.P. Verma, please. Thank you, Gupta ji, and thank you, Pankaj ji, President IIA, and Mr. Khandelwal, and all the other stalwarts for being here for this today's webinar. And as our president and Gupta ji has rightly said, that transformational leadership has become very important these days. You'll be surprised to know that even day before yesterday, National Productivity Council, they
asked me to have one webinar on transformational leadership because everyone wants this transformational leadership. So, and I'm very happy that this topic has been chosen by IIA for the you people. Though all of you are already leader, stalwart rather, that is why you are here. But you know, leadership is a process. So always leader keeps on learning and adding value. So all of you are here to add value to what you all are already having. So we will discuss with the transformational leadership. And before going to transformational leadership, you know, it is better that if we discuss in brief about other types of leadership styles, so that we can distinguish what is transformational, what is transactional, what is different types of leaderships are there. So now I will like, and I am very happy to be with you people in such a galaxy of the, you can say, old stalwart. I am also basically from the industry, and Gupta has told about me also. So I have a flair for talking to you people. Always we learn, you know, it is a two-way process. We learn from each other. Okay. So now we are going to start. Would you like to share the slide, sir? Yes, slides we are sharing. Is it visible to all of you? Is it visible to all of you? No, it's not. No, it's not it's visible. Written that Dr. S.P. Varma has started screening sharing. But screen is not visible. I think Jyotsnaji, you have to give the sharing, right? I think then only it will be. No, it's there. Okay, sir. Let me try again. Jyotsna, are you listening to me? Yes. Now it's okay. Now it's visible. It was visible, Dr. Varma. Now it is okay? No, now not. Not coming. Why it is? But previously it was visible. Should have come. Why it is not coming? I am not able to understand. Eh? Varmaji, try sharing. Try sharing. Pardon? Now it will be shared. What are you saying? आप क्या कह रही हैं? हाँ नहीं, अभी आप शेयर करने की कोशिश करिए, अब शेयर हो जाएगा. जैसे ट्राई शेयरिंग नाउ. मैं दोबारा करता हूँ इसको सेकंड टाइम. मिस्टर वर्मा, प्लीज अपलोड योर पीपीटी इन द चैट बॉक्स. अच्छा ओके, नाउ इट इज. देख अब आ गया, नहीं आ गया? आ गया. हाँ, yes. आ गया. No, it is visible now, sir. Yes. आ गया ना? ठीक है. ओके. It's fine now. Now it is okay. Yes, yeah, it's now. Fine now. Okay. So before that we will discuss in short regarding leadership styles. Because you would have heard various types of styles. Where he is that type of leader. He is that type of leader. So now, first, who is leader? A leader is a person who influences group of people towards a goal. Always there is a goal, and three P's of leadership are there. Without them, leader is not there.
person, people, and purpose. There should be a goal, vision, and people should be there to take that goal, to achieve that goal. And person, person means that leader who is leading. Then what is leadership? You all know about it is a process. Leadership is a process. As I told you, it is a process. It keeps on continuing. You can say moving. It never stops. Suppose you are leader for the last 40 years, but even then you are in the process of becoming better leader, every day journey continuing. So it is a process in which person influences others to accomplish an objective and direct the organization in a way that makes it more cohesive and coherent. It means to make more cohesive, coherent to achieve that goal. It is one of the most important functions of management. Leading involves, it means it involves directing, influencing, motivating employees to perform. It means management functions are performed by the leader. And we will also discuss how a manager is different from a leader, because there is always difference. So manager should also be a leader. But most of the managers, we find that they are only manager, they are not a leader. Now, Peter Drucker's definition, leadership is shifting of own's vision to higher sides. It means we achieve synergy effect. Suppose I can achieve 10 crore business, but with the help of team, I can achieve 100 crore. It means we shift the own vision to a higher side with the help of the people, that is team members. Now, what are the characteristics of leadership? Empathy. It means we have to see from other angles. It means from the angle of the members, group, employees, so that we may know their problem and they can help us to contribute. Consistency. Leader should say whatever he says, on the same thing he should say. It should not be like that, ki aaj hum kuch kare. Achha, I will use the mixed language. It is okay? Right, right. Because, you know, in mix we can interact better way. Sir, it's a better way, I think. Huh. And purpose is to discuss and understand. Yeah, right? Certainly. So there should be consistency. ताकि जो भी चीज लीडर अपने मेंबर से कहे वो हर इशू पे एक ही रिप्लाई होना चाहिए. ये नहीं कि आज हमारा रिप्लाई कुछ है कल कुछ है. तो इट शुड बी, देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन आवर अप्रोच. ऑनेस्टी, लीडर शुड बी ऑनेस्ट. डायरेक्शन, लीडर शुड बी एबल टू गिव डायरेक्शन. कम्युनिकेशन, लीडर का सबसे बड़ा काम होता है टू कम्युनिकेट, चाहे वो रिटेन हो, ओरल हो, वर्बल हो, कुछ भी हो. तो ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट. ही नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑल. उसको हरदम सपोर्ट लेना आना चाहिए. इट मींस उसको इंटरपर्सनल भी आना चाहिए. कोई लीडर अकेले कुछ नहीं कर सकता है, सब उसकी टीम करती है. एज्यूम ऑब्लिगेशन. लीडर हरदम दूसरों को ऑब्लिगेशन लेता है, इसलिए इसका मतलब उसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आनी चाहिए. जैसे आपने कुछ कहा, एम्प्लॉय ने काम किया, थैंक यू भाई, तो थैंक यू वगैरह कहना या ऑब्लिगेशन लेना, तो उससे दूसरा आदमी खुश होता है और ज्यादा काम करता है. ये तो सब तरह के लीडर के बारे में हो गया. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीडर, देन वी विल डिस्कस टाइप्स, देन वी विल कम टू ट्रांसफॉर्मेशनल. एंड देयर इज सफिशिएंट टाइम, सो यू नीड नॉट वरी. हम लोग सब कवर कर लेंगे, बड़ी डिटेल में कवर करेंगे. एंड आप जो कह रहे हैं, जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, एवरीवन आई एम श्योर विल गो विद समथिंग, दे विल टेक अवे समथिंग. ओके, नाउ 7 सीक्रेट्स ऑफ इंस्पायरिंग लीडर. क्योंकि आप सबको इंस्पायरिंग लीडर बनना है. क्यों? आप कोई भी स्टाइल लीजिए, अगर आप इंस्पायरिंग नहीं है तो लीडरशिप अच्छी नहीं होगी. क्योंकि वर्कर्स को हमको मोटिवेट करना है. और लीडर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा घर में भी होता है. घर में हम सब फैमिली के लीडर्स हैं, तो हमारे मेंबर कौन है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनको हमको इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है. तो लीडर आदमी घर में भी होता है, सोसाइटी में भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, कंट्री में भी होता है. एट वेरियस लेवल्स उसके मेंबर बदलते रहते हैं. कहीं 4 हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 100 हैं, कहीं 200 हैं, कहीं फैमिली वाले मेंबर्स हैं. तो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट बेसिकली वही होता है, सेम. इग्नाइट योर एंथुसियाज्म. इसका मतलब लीडर को एंथुसियास्टिक होना चाहिए, कि उसमें अगर एंथुसियाज्म है तो एम्प्लॉयज को भी देगा. जैसे चाणक्य ने कहा है कि इफ किंग इज एक्टिव तो देन प्रजा विल बी एक्टिव. तो सिमिलरली अगर हमारा लीडर, हम एक्टिव हैं तो मेरे आदमी भी एक्टिव हैं. हम टाइम पे ऑफिस आ रहे हैं तो वो भी टाइम पे आएंगे. हम टाइम पे काम पूरा करते हैं, मतलब जैसा किंग लीडर होगा वैसे हमारे मेंबर्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होगा. विजनरी होना चाहिए लीडर को, जो आप लोगों ने भी कहा, गुप्ता जी ने भी कहा. लीडर का मेन काम होता है विजनरी.
क्योंकि बाकी काम करने के लिए नीचे वाले होते हैं, जैसे आप लोग लीडर हैं तो आपका काम क्या है, विजनरी करना कि हमको अभी अपनी इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ ले जाना है, कितना टर्नओवर बढ़ाना है, उसी कैटेगरी कैसे चेंज करनी है, वो आपका काम है। नीचे वालों का काम है उसको कैरी फॉरवर्ड करना, उसको अचीव करना। देन सेल द बेनिफिट, क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है कि शेयरिंग विजन। आजकल आपने सुना होगा, हर जगह होता होगा, ऑर्गेनाइजेशन में आप भी करते होंगे, आपका क्या विजन है 5 साल का 3 साल का 1 साल का, फिर उसको वी शेयर विद द एम्प्लॉयज, शेयरिंग विजन, और बताते हैं ये हमारा फायदा है, तभी इम्प्लॉयज में कमिटमेंट आता है और वो उसको काम करते हैं। क्योंकि हर आदमी पूछता है साहब इससे फायदा क्या है, हर आदमी देखता है फायदा क्या है, तो वो बेनिफिट्स लीडर को बताना पड़ता है लोगों को कमिटमेंट करने के लिए। देन पेंट ए पिक्चर, इट मीन्स विजुलाइज कि भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो जाएगा, हम कंट्री में इस नंबर पे आ जाएंगे, इतना हमारा टर्नओवर होगा, हम ये फैसिलिटीज देंगे, तो हमको एक पिक्चर प्रेजेंट करना पड़ता है अपने मेंबर को। इनवाइट पार्टिसिपेशन, लोगों को कहना चाहिए हाँ भाई तुम क्या जानते हो, तुम भी बताओ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, तो सबको मोटिवेट करना पड़ता है लीडर को, तभी लोग खुश होते हैं, कि नहीं तो वो जाता है कि लीडर हमको इन्वॉल्व नहीं करता है और लोगों का टैलेंट चला जाता है बेकार। तो ही शुड इन्वाइट पार्टिसिपेशन, रीइन्फोर्स ऑप्टिमिज्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है लीडर के सामने, आप भी फेस करते होंगे, वर्कर कई बार हाथ खड़े कर देगा साहब नहीं हो सकता, उस समय उसको आपको दोबारा रीइन्फोर्स करके ऑप्टिमिस्टिक करना है। वो कैसे करना है, वो उसमें होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ता है, तो वो लीडर का फिर से ऑप्टिमाइज करे, ऑप्टिमिस्टिक करे, ताकि वो उस काम को करे। एनकरेज पोटेंशियल, वर्कर के मेंबर्स के पोटेंशियल को एनकरेज करना हमारा लीडर का काम है। नहीं तो क्या होगा, हम सैलरी दे रहे हैं वर्कर को, आप लोग सैलरी दे रहे हैं, सैलरी बहुत बढ़ गई है इस समय, और वर्कर को आता है वो काम नहीं कर पाएगा ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो वो एज ए लीडर हमारा ड्यूटी है। और जैसे आपने कहा एमएसएमई वगैरह में, तो हम देखते हैं हम भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व, तो वेरियस फोरम, उसमें कॉस्ट आपकी बहुत हाई होती है और मैन पावर कॉस्ट बहुत पिंच करती है अगर हमारा प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं चलेगा, तो इसलिए वहाँ पर लीडरशिप का रोल बहुत होता है एट ऑल लेवल्स। आपके अलावा नीचे लेवल पर आपके नंबर 2 नंबर 3 तो नंबर ऑफ पर्सन कम होंगे, तो हर लेवल पे लीडरशिप का स्टाइल का बहुत फर्क पड़ जाता है। देन क्वालिटी लीडर में क्या होनी चाहिए, एम्बिशस, ब्रॉड माइंडेड हो, नैरो माइंडेड ना हो, केयरिंग, मेंबर की केयर करे, तभी वो उसके साथ में टीम बनी रहेगी। जैसे लोग क्या कहते हैं कि नो लीडर इज विदाउट मेंबर, मेंबर हमारे साथ में कब रहेगा, जब उसकी हम केयर करेंगे। वही घर में होता है, लोग कहेंगे डैडी हमारा ध्यान रखते ही नहीं है, पापा हमारे करते नहीं है, वाइफ कहेंगे हस्बैंड कुछ करते ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी केयरिंग, केयरिंग टूवर्ड्स आवर टीम मेंबर्स। कॉम्पिटेंट तो होना ही है, तभी लोग मानेंगे कि मेरा कहना। लीडर जैसे आप लोग यहाँ भी आए हैं, आपको सब कॉम्पिटेंट है, बट यू हैव कम हेयर टू एड वैल्यू, कि भाई चलो 10 में 10.10 भी हो गया तो 0.0 हमारा 0.10 बढ़ गया। कोऑपरेटिव होना है, करेजियस, वी हैव टू बी, लीडर को करेजियस होना है, डिफरेंट लेवल होना है लीडर को, डिटरमिंड, इट मींस ही शुड शो डिटरमिनेशन, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। फेयर माइंडेड, ही शुड बी फेयर माइंडेड, नॉट कि लोगों में ये ना लग जाए कि भाई ये साहब तो पक्षपात कर देते हैं, ही इज बायस्ड। फेयर माइंडेड इट मींस देयर शुड बी सिस्टम एंड ऑल आवर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन दैट सिस्टम फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल द मेंबर्स, कि भाई ये हमारा सिस्टम है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में रूल होते हैं, आप क्या भी होंगे, छुट्टी का रूल है, कोई भी रूल है, भाई देखो ये सबके लिए एक है, नियम हमारा एक है। नहीं तो लोग कहेंगे ये पक्षपात कर रहे हैं रामलाल चांदलाल के लिए, रामलाल के लिए एक नियम है, चांदलाल के लिए एक नियम है, तो उसमें फिर इम्प्लॉयज आपका कमिटमेंट नहीं हो सकता, वो कहता है ये उसी से काम करा लो, मैं नहीं काम करता। फॉरवर्ड लुकिंग, लीडर को हरदम आगे देखना चाहिए कंट्री में, जैसे अभी आपने कहा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, पंकज जी ने, फॉरवर्ड लुकिंग, इसलिए टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, कहाँ वर्ल्ड जा रहा है, ग्लोबल हमको बनना है, क्या हो रहा है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही है, हम क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड, कि हमारे फादर क्या कर रहे थे, हमको उससे आगे आज क्या करना है। बहुत ऑर्गेनाइजेशन क्यों बंद हो जाते हैं, लोग कहते हैं ये हमारे ग्रैंड फादर ने काम किया, फादर ने काम किया, मैं भी वही काम करूंगा। भाई आप उसको एनालाइज करो, स्वॉट एनालिसिस करो, अगर हो सकता है तब करो, नहीं तो आप डाइवर्सिफाई कर लो। तो कई लोग नहीं करते हैं, तो देखते हो उस चीज़ की आज डिमांड नहीं है और इंडस्ट्री बंद हो जाती है, फिर कहते हैं देखो मेरा सारा बंद हो गया बिजनेस। तो वी हैव टू कीप ए पेस विद द टाइम, कि आज हमको क्या चाहिए, ये काम है लीडर का। लीडर को ईमानदार होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए, सोचे तभी विजनरी बनेगा, इंडिपेंडेंट, अपना व्यूज खोल लो, वो हम आगे बताएंगे कैसे हम इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इंस्पायरिंग, डिस्कस कर लिया आपको लोगों को मोटिवेट करना है, क्योंकि अकेले आप काम नहीं करते, कोई भी आदमी अकेले नहीं करता है,
अकेले चलना भार नहीं फोड़ सकता, पुरानी कहावत ही है। लॉयल होना है हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन से, वर्कर से, मेंबर से, मैच्योरिटी होनी है। यदि लोग कहेंगे साहब, कहेंगे साहब हमें इनमें फर्क क्या, आप हमारे बॉस हैं, हमें आप में क्या फर्क है। जैसे लोग कहते हैं पापा हैं आप हमारे, हम आपके बेटे हैं। तो वी हैव टू शो आवर मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी आती कैसे हमारे लोगों के संगत से, पढ़ाई से, लिखाई से, थिंकिंग से, देन सेल्फ कंट्रोल। लीडर को सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि जैसे अपने कंट्रोल कब होता, गुस्सा ना आए, ये ना आए, होता नहीं कि जैसे चाणक्य ने भी कहा है कि लीडर शुड कंट्रोल सिक्स सेंसेस, काम क्रोध मोह लोभ जितने सबके हमारे कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल नहीं है तो हम क्या होगा, उठ पटांग बोलते रहेंगे और लोग उसका फिर अर्थ नहीं लगेगा। और फिर एक होता नहीं कि इफ यू लूज योर कंट्रोल टेंपर तो पीपल विन ओवर यू। तो हमको अपने ऊपर संयम रखना है क्या जैसी सिचुएशन हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए हमको, साथ साथ पीछे मत बोलो, बैक बाइटिंग मत, जो बोलनी है बोल दो। हाँ, कैसे बोलना है वो देखना चाहिए कि अकेले में बुला के बोले, चाय पिला के बोले, किस समय बोले, वो बहुत लोग होते हैं जैसे लोग करते हैं। पुरानी कहावत है कि सास को कहना है बहू से, ननद से, वो नहीं करती है। बहू से कहना है बहू कहो, उसको बुला के प्यार से बोलो, मान जाएगी। तो वो काम लीडर का ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि हम जिससे बात करें उसी से कहें, डायरेक्ट नहीं भी लोग कहेंगे तो आप उसी से काम करा लो, आप उससे ये कहते हो। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इमेज होनी चाहिए और एक सपोर्टिव। सपोर्टिव तो हमको बनना ही है, हर आदमी तभी तो भाग के आएगा। सब प्रॉब्लम हो गई, पर्सनल प्रॉब्लम हो चाहे ऑफिशियल प्रॉब्लम हो, तो उस पर एज ए प्लेयर हमको खड़ा होना है, तभी वो हमारा साथ देगा। और हमने देखा है लीडर्स के लिए लोग जान तक दे देते हैं, आपने भी देखा होगा, स्पेशली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वो कहते हैं साहब आपकी जान भी है क्योंकि आपने मेरे लिए इतना किया है, इतना सपोर्ट, इतना उसको ट्रस्ट है, फेथ है। तो उस टाइप का लीडर बनना चाहिए। देन ट्रस्टेड लीडर। अच्छा, ट्रस्टेड लीडर की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है एमएसएमई वगैरह में। जैसे अभी आपने कहा कि छोटा साइज होता है, वन मैन शो है, प्रोप्राइटरशिप है, तो इम्प्लॉइज देखते हैं सर जो आदमी ने कहते उनको मानना पड़ेगा। तो उसमें हमको उसको पहले विश्वास जीतना है। विश्वास कैसे जीतेंगे, जैसे अभी हमने बताया जो क्वालिटीज क्या है, टॉक स्टेट, जैसे मैंने कहा ना सीधा बोलिए आप, कंफ्रंट रियलिटी, जो चीज की रियलिटी है, मतलब कंफ्रंट द फैक्ट नॉट द पर्सन, डिमांडेड रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट देने ही हमको, चाहे कोई भी आदमी, हर आदमी का रेस्पेक्ट है, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो डीएम हो। वेरीफाई एक्सपेक्टेशंस, भाई हमको क्या चाहिए। हम लोग शुरू में जो बोल देते हैं, आप भी बोलते होंगे अपने आदमी से, भाई देखो मुझे काम चाहिए, ऐसी हाउसकीपिंग चाहिए, ऐसा प्रोडक्शन चाहिए, ऐसी क्वालिटी चाहिए, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो अपना एक्सपेक्टेशन क्लियर बोलना है, नहीं तो वो क्या हो कहेगा हमको तो पता ही नहीं था। प्रैक्टिस अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी खुद भी हमको प्रैक्टिस करनी है कि भाई ये हमने करना था, हमने किया, तुमने क्या करना था, नहीं किया। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो आदमी काम नहीं करेगा। और इंडस्ट्री में अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आदमी साल के एंड में आपसे भी कहता हुआ साहब प्रमोशन दीजिए, एक साल हो गया, इंक्रीमेंट बढ़ाइए, तो क्यों दें हम, तुमने क्या काम किया। तो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए, पीएमएस सिस्टम हो, किसी भी तरह से आदमी उसका परफॉर्मेंस को रेट करे, उसके बिहेवियर को रेट करे, राइट रॉन्ग क्या हो रहा है उसको ध्यान रखें। जैसे हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर में होता है डूज एंड डोंट्स, लिसन फर्स्ट। सबसे बड़ा काम लीडर का क्या होता है कि वो कहते हैं ना कम्युनिकेट करता है, तो कम्युनिकेट करने से पहले हमको सुनना चाहिए। हम सुनेंगे नहीं तो हम बोलेंगे क्या, हम गलत बोल जाएंगे। तो लीडर शुड बी हैविंग पेशेंस टू लिसन, एंड लिसनिंग इज मोर डिफिकल्ट देन स्पीकिंग। सुना होगा आपने, लोग जाने से पहले, सुनने से पहले बोल देते हैं क्या बोल रहे हैं पता नहीं, बाद में आपकी बात को वापस लेते हैं, तो वो क्यों नौबत आती है, क्योंकि वो सुनते नहीं है। सुन के सोचे तब बोलें, लिसन पॉज थिंक देन स्पीक। शो लॉयल्टी, लॉयल्टी दिखानी है हमको ऑर्गेनाइजेशन से और वर्कर से, तभी हमारा वो लोग लॉयल्टी शो करेंगे। कीप कमिटमेंट, अपना कमिटमेंट हमको शो रखना है, जो हम कहें वो करना है। डिलीवर रिजल्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड है वर्कर भी होगा, लीडर ने कहा भाई देखो तुम लोग ये काम करो, तुमको हम ये फैसिलिटीज देंगे, अगर वो काम हो गया तो लीडर ने कहा मैंने रिजल्ट अचीव हो गया मेरा, अब तुमको भी हम ये देंगे। मतलब रिजल्ट उसको अचीव करके दिखाना है, तभी टीम साथ करेगी, साथ देगी। एक्सटेंड ट्रस्ट, विश्वास, जैसे भी कहा विश्वास गिव एंड टेक है। गेट बेटर, हर दिन बेटर होना है, हर दिन बेटर होना है, चाहे वो ट्रेनिंग से हो, मीटिंग से हो, मतलब लीडर को हर समय बेटर होना है। और इसलिए आप कहेंगे आप लोगों की बहुत तारीफ करूंगा, कितना बिजी होते हुए भी आप लोग, हालांकि आपकी ये क्या है कुछ नहीं, एक किताब लेंगे आप पढ़ लेंगे, ट्रांसफर लीडरशिप को लेक्चर सुन लेंगे,
बट आपने सब इतना टाइम निकाला क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट टू बी ए बेटर लीडर एवरी डे, बेटर बेटर बेटर, कोई एंड नहीं है बेटर का, तो कोई एंड नहीं है। अब हम लोग आते हैं लीडरशिप स्टाइल्स, मेन तीन है, आपने भी सुने होंगे, ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, और लेजर स्टेल एंड डेलीगेटिव। ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे, अरे वो तो बड़ा ऑटोक्रेटिक है, बहुत अथॉरिटेरियन है, अरे बड़ा डेमोक्रेटिक है यार, वो बेकार है, वो डेलीगेटिव है, सबको दूसरों को काम देता है, खुद कुछ नहीं करता है, सब काम दूसरों को बांटता है। नाउ व्हाट इज ऑटोक्रेटिक लीडर? ऑटोक्रेटिक लीडर क्या करता है? देखिए आप, पावर मेक डिसीजन अलोन, वो खुद डिसीजन कर लेगा, सारी अथॉरिटी अपने पास रखेगा, मतलब वो सेंट्रलाइजेशन होता है, उसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वो अपने पास रखेगा, कहेगा सब चीज मुझसे पूछे करो, भाई तुमको कहाँ जाना है छुट्टी मुझसे लो, वहाँ जाना है सब काम, मतलब हर चीज खुद करेगा, हर चीज मुझसे पूछ पूछे करो। क्लोजली सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल पीपल व्हेन दे परफॉर्म सर्टेन टास्क। ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मैंने बहुत देखा है, तो वर्कर परेशान रहते हैं, परेशान रहता है यार, वो तो मेरे सर पे बैठा रहता है, मेरा बॉस तो सारे से मिलता नहीं है। तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी सर्टेन लिबर्टी दे देनी चाहिए कि भाई ठीक है, ये चीज़ें मुझे मत पूछो, ये करना है अपने आप कर लिया करो, हाँ इसके अलावा कुछ हो तो मुझसे पूछो, होता नहीं है, रूटीन काम अपने आप कर लो, पॉलिटिशियन मुझसे पूछो, तो इस तरह वो आप कर सकते हैं इसमें। बट ऑटोक्रेटिक लीडर को लोग लाइक नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोगों को डेवलप करने का मौका नहीं देता है। अब आया डेमोक्रेटिक, आपने देखा जो आप लोगों ने नौकरी स्टार्ट की होगी, अपना काम कर रहे हैं भी, तो ऑटोक्रेटिक लोग फादर को नहीं लाइक करते हैं आजकल, तो पहले लाइक कर लेते थे, आजकल तो कोई नहीं चाहेगा बच्चा कि मेरा फादर भी ऑटोक्रेटिक हो, वो कहेगा भाई फादर हमारा डेमोक्रेटिक भी हो, पार्टिसिपेटिव भी हो, मेरे संग खेले भी, मेरे संग बात भी करे, सब चीज मेरी सुने, तो लोग बॉस को कैसे चालेंगे। अब डेमोक्रेटिक में क्या हो, इसमें अच्छाइयाँ भी हैं कुछ खराबी भी हैं। इंक्लूड वन और मोर पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब लोगों को बुला लेता है भाई बताओ कैसे करें क्या करें। देन मेंटेन्स द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, लेकिन डिसीजन खुद ही लेता है, सबकी सुन ली, सबको सेटिस्फाई करना है, तो ही लिसेंस टू ऑल बट डिसीजन मेकिंग इज बीइंग डन बाय द हिम बाय हिम, राइट, क्योंकि सबको अगर छोड़ेगा तो वो डिसीजन ले नहीं पाएगा। भाई आप भी देखते होंगे, 10 लोग बैठे हैं मीटिंग में, सब बोल रहे हैं चाँव 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 हो रही है, डिसीजन कोई नहीं ले पा रहा है, क्या कहते हैं नाउ एनफ इज एनफ, नाउ लिसन टू मी, सबकी सुन ली मैंने, ऐसा करना है। ये इसमें सब शांत हो जाएंगे कि भाई सब मेरे बॉस ने सबकी सुन ली, अब इसको हम करते हैं। अब आ गया, अच्छा इसमें खराबी क्या है, वही कि हर आदमी को सुन रहे हैं लेकिन उनको ग्रो करने का मौका नहीं दे रहे हैं। अब आया लेजर्स पेरे डेलीगेटिव, लेजर्स पेरे आपको पता होगा जैसे फ्रेंच वर्ड है लेट गो, जो कर रहा है करने दो, तो इसमें अलाउज पीपल टू मेक देयर ओन डिसीजन, आदमी अपनी डिसीजन खुल लेता है, आपने कहा जो तुमको करना है कर लो, हमको ये काम चाहिए, तुमको जो चाहिए, जो पैसे चाहिए, जो गाड़ी चाहिए ले जाओ हमसे, हमको काम चाहिए, बाकी हमको मतलब नहीं। लीडर इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन, लेकिन अगर काम खराब होगा जिम्मेदारी किसकी है, कि लीडर की। दिस स्टाइल अलाउज ग्रेटर फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीपल, लोगों को ज्यादा फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन डिफेक्ट क्या है इसमें, कि यू नीड कॉम्पिटेंट पीपल अराउंड यू और नथिंग विल बी गेटिंग डन। अगर वो आदमी में कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो क्या होगा, वो आपकी लिबर्टी का, ये बहुत प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े में भी छोटे में भी, कि किसी पर हमने विश्वास कर लिया और वो उसने वहीं पे हमको धोखा दे दिया, मिसयूज कर लिया, क्योंकि उसमें कॉम्पिटेंसी है ही नहीं, तो लीडर को देखना कि ये कॉम्पिटेंसी हो तभी आदमी को छूट दो। अब आया अगला ट्रांजेक्शनल लीडरशिप और ट्रांजेक्शनल, इस बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ट्रांजेक्शनल में क्या होता है, देखिए लीडरशिप वर्क्स विद इन सेट ऑफ एस्टैब्लिश गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। जैसे कि एक मैनेजर है वो वर्क करता है ट्रांजेक्शनल लीडरशिप में, कि भाई ये हमारा रूल है, ये हमारी बुक है, हम यही काम को करना है, ये हमको हमारे बॉस ने कहा इतना प्रोड्यूस करो। ट्रांजेक्शनल लीडर एंश्योर दैट रूटीन वर्क इज डन, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्यों? इसलिए लोग कहते हैं मैनेजर शुड बी लीडर, ये काम करता है एक मैनेजर, हर और में लोग कहते हैं लीडर बनो, अपने आप काम करो,
आप भी कहते होंगे अपने नीचे वाले से, भाई देखो कभी मैं नहीं भी आऊँ इस काम तुम संभाल लिया करो, तुम करो, तुम किसलिए हो इतने साल से काम कर रहे हो, यू शुड डू, बट विदिन रूल्स करना चाहिए ताकि आपका कहना माने, लेकिन उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन वो वर्क रूल करता है। अब आया ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, ये सबसे बेस्ट अप्रोच क्यों है? इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच चैलेंजेस द स्टेटस को, स्टेटस को मतलब होता ना ये चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो, वो अप्रोच नहीं होता है। एंड मोर फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि हमको एमएससी में फ्यूचर ओरिएंटेड होना है, क्या होना है वर्ल्ड में, क्या फ्यूचर होना है। फोकस इज ऑन मोटिवेटिंग एंड एंगेजिंग फॉलोवर्स विद द फ्यूचर ओरिएंटेड हुआ ये, तभी ये आपका स्टेटस को छोड़ेगा। लुक्स आफ्टर इनिशिएटिव्स दैट ऐड वैल्यू, इनिशिएटिव नया इनिशिएटिव लेगा जिससे कि कुछ वैल्यू हमारे सिस्टम में ऐड हो। ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में। अब बाकी दो स्टाइल कौन से हैं, करिश्मेटिक और सर्वेंट। आप ये करिश्मेटिक लीडरशिप में क्या होता है, इट लीड्स टू क्रिएटिंग एनर्जी एंड ईगरनेस इन पीपल, लीडर इज वेल लाइक्ड एंड इंस्पायर्स पीपल, अपील टू पीपल्स इमोशनल साइड, ये लीडर लोगों को इमोशनली करता है, जो लोग कहते हैं उसने इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया लीडर ने। तो बेसिकली जो रिलीजियस रीजन वगैरह होते हैं सेंटेंट्स, या जैसे कि इस टाइप के जो आपके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो सीधा इमोशन को हिट करते हैं, वो हैं करिश्मेटिक लीडर, यूजेस हिज और हर कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सुएसिवनेस और चार्म टू इन्फ्लुएंस। लेकिन कई बार हमारे ऑफिस में भी हम लोगों को करिश्मेटिक लीडर बनना पड़ता है ताकि नीचे वाला हमारा कहना माने। वो कैसे बनेंगे, बाई अवर वे ऑफ पर्सनल मतलब स्पीकिंग, बाई अवर वे ऑफ बिहेवियर। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, मार्टिन लूथर किंग एंड गांधी जी। गांधी जी को लोग क्यों कहते थे, गांधी जी ने कह दिया हम बात मान गए, ही वॉज ए करिश्मेटिक लीडर। अब लास्ट में आ रहा है सर्वेंट लीडर। आप सुना होगा कई मोदी जी कहते हैं भाई मैं तो सेवक हूँ सबका, मैं जनता का सेवक हूँ। इसी तरह बहुत से लीडर्स कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपने एम्प्लॉयज के लिए सेवक हूँ, मैं वर्कर्स के लिए काम कर रहा हूँ, जनता के लिए कर रहा हूँ। बिकॉज हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस लीडर इज टू एनकरेज सपोर्ट एंड इनेबल पीपल टू फुलफिल देयर पोटेंशियल एंड एबिलिटीज। और यही क्वालिटीज होती है ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की भी। आजकल लोग लाइक करते हैं ज्यादा सर्वेंट लीडर, जो कहते हैं ना सर्वेंट भैया सब जनता की सेवा कर रहे हैं, तो सर्वेंट लीडर भी लोगों को एनकरेज करेगा, सपोर्ट करेगा और लोगों को एनेबल करेगा फुलफिल देयर पोटेंशियल एंड एबिलिटीज। वही काम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहा है, बट वो उसमें और चीजें ऐड कर दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज हम बताना चाहेंगे, हेल्प पीपल टू अचीव देयर गोल्स, कि कोई भी किसी भी समय एक सा लीडर नहीं बन सकता। ऐसे आप भी देखते होंगे, आप यू कांट से कि आई एम ऑलवेज ट्रांसफॉर्मेशनल और आई एम ऑलवेज ऑटोक्रेटिक, आई एम ऑलवेज लेजर स्पेरे और पार्टिसिपेटिव। ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या हैं, तो वी हैव टू अडॉप्ट द स्टाइल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। समटाइम हर आदमी को चाहे जितना पार्टिसिपेटिव हो, कई बार बनना पड़ता है ऑटोक्रेटिक। अर्जेंट सिचुएशन हो गई, टाइम नहीं है आपके पास, पॉइंट लग रहा है, देन यू बिकम अथॉरिटी ओरिएंटेड। ये काम तुमको करना है चाहे जैसे हो, नहीं तो तुम कल से नौकरी पर नहीं आओगे। तो उस समय आप उस काम के लिए अथॉरिटेटिव बन जाते हैं। सम टाइम आपका 1 अप्रैल को आप आए, देखा टारगेट अचीव हो गया, खूब प्रॉफिट हो गया, देन यू विल बिकम लेजर स्फेरे एक हफ्ते के लिए, भाई जो जो कर रहा करने दो, थोड़ा सा लोगों को रिलैक्स करने दो। होता है कभी पार्टिसिपेटिव, भाई आज बहुत टाइम है मेरे पास, सब लोग जो बोलना है बोलो, आज मेरे पास 2 घंटे है, आज मीटिंग में बहुत टाइम दिया है। तो सम यू बिकम पार्टिसिपेटिव, सम टाइम यू बिकम अथॉरिटेरियन, सम टाइम यू बिकम लेजर स्फेरे, सम टाइम यू बिकम ट्रांसफॉर्मेशनल, सम टाइम यू बिकम ट्रांजेक्शनल, कि भाई यही काम हमको करना है, देखो मेरे बॉस ने कहा है। अब यहाँ पे आप सब लोग बॉस हैं तो आपके लिए सिचुएशन तो है नहीं, तो आपके लिए क्या है कि सपोज 100% में आप 80% टाइम तो भैया ट्रांसफॉर्मेशनल आपको ट्रांसफॉर्म करना है, 10% में 5% बन जाइए आप कभी ऑटोक्रेटिक, वो भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपना डंडा दिखाना पड़ता है, ऑटोक्रेटिक बन जाइए। कई बार छूट देनी लोग खुश करने के लिए, अजीब हो गया गोल, पार्टिसिपेटिव बन जाइए, लेजर स्फेरे कर लीजिए। कई बार भाई आज होली है, हम सब लोग मिलकर होली खेलेंगे, कोई भी करेंगे, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नाउ वी विल बी कमिंग टू, क्योंकि कोई भी एक स्टाइल आदमी 100 दिन कर सकता है, चाहे घर हो चाहे कहीं हो, समटाइम आपको बहुत डंडा दिखाना पड़ जाएगा। अब लोग कुछ क्या करते हैं, सारे समय डंडा दिखाते हैं, वो बैड है। सारे समय पार्टिसिपेटिव बन जाएंगे, उससे भी काम नहीं चलता है। तो कोई भी स्टाइल आपके हर समय अगर आप करेंगे तो नहीं चल पाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल आप डिग्री चेंज कर सकते हैं,
ट्रांसफॉर्मेशन में आप 100% ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे तो यू विल गेट एवरीथिंग, बट इवन देन आप खुद रियलाइज करेंगे कि भाई 90% हम बन सकते हैं, 10% हमको कभी कभी ऑटोक्रेटिक बनना पड़ेगा, कभी कभी पार्टिपेटिव बनना पड़ेगा। तो 100% तो मतलब कहने में लगता है बट प्रैक्टिस में हो नहीं पाता है, ये कोई नहीं कर पाता है। आप भी इसको, आप भी इससे एग्री करेंगे मुझसे कि 100% क्यों, सिचुएशन आर डिफरेंट एंड दो सिचुएशन डिमांड द डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। समटाइम यू टू शो अथॉरिटी, कई बार आपको आंख दिखानी पड़ेगी, डंडा जलाना पड़ेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा, गाली बकनी पड़ेगी, क्यों, काम तो निकालना है आपको भाई, घी निकालना है, सीधी उंगली से नहीं आएगा, हम टेढ़ी उंगली से निकालेंगे, घी निकालेंगे, होता है कि नहीं होता है, तो क्या करेंगे उस समय, हम बैठे थोड़ी जाएंगे। तो उस समय इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में वी मैनेजेज द थिंग्स बाय बीइंग फ्लेक्सिबल, कि हमारा अप्रोच होना चाहिए फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। ट्रांसफॉर्मेशनल में भी हम रिजिड नहीं होंगे कि आप तो ट्रांसफॉर्मेशनल है, कि लोग लगा देंगे ठप्पा मेरे ऊपर कि साहब ये तो साधु है कुछ नहीं करते, तो साधु नहीं है, आई एम वेरी हार्ड ऑल्सो वेरी सॉफ्ट ऑल्सो, होता नहीं है, हम बहुत अच्छे भी हैं, हम बहुत खराब भी हैं, ये सिचुएशन हुई, अच्छे तुम रहोगे मैं अच्छा हूँ, बुरे करोगे बुरा हूँ, ये होना चाहिए कि करेक्ट एंड स्टिक, बी हार्ड बी सॉफ्ट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसफॉर्मेशनल, कि हमको ट्रांसफॉर्म करना है ऑर्गेनाइजेशंस को, सिस्टम को, लोगों को। नाउ वी आर कमिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। Is it visible to all of you? No, not yet visible. Hey? It's not visible as of now. क्या visible नहीं है? नहीं है। Previously it was visible, sir. Now it is not. अब? नहीं। आप चाहे तो पीपीटी शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में मुझे और शेयर कर देंगे। नाउ इट इज अब ठीक है? अभी भी नहीं दिख रहा सर। क्या हो जाता है, ये क्यों हो रहा है? वर्मा सर, आप अपना पीपीटी जो शेयर करना चाहते हैं ये मुझे शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में और हम यहाँ से स्क्रीन शेयर। अभी भी नहीं गया ना? नहीं सर, अभी भी विजिबल नहीं है। चैट बॉक्स में फिर हमको दिक्कत पड़ेगी, हम कैसे पढ़ेंगे उसको ना, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। नहीं, हम शेयर कर देंगे स्क्रीन को। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं करता हूँ फिर चैट बॉक्स में। हाँ जी, आपको फाइल अपलोड करनी होगी। हाँ मैं कर रहा हूँ। लोड हो रही है, मैंने कर दिए।
अभी अपलोडेड नहीं है, जो फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको राइट साइड, उस पर जाके अपलोड करिए। हाँ अभी हो गया, हम डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा आपका शेयर हो गया, आप शेयर हुई, देखिए। नहीं अभी आपकी पीपीटी डाउनलोड कर रहे हैं हम अपने साइट, फिर हम चेक। नहीं मैं दोबारा भी शेयर भी कर रहा हूँ, आपको शेयर हो रही नहीं हो रही है? नहीं नहीं दिख रहा। अभी भी नहीं? नहीं अभी भी नहीं हो रहा। अच्छा वो डाउनलोड हो गई आपकी? हाँ जी हाँ जी, हम वही कर रहे हैं फोन पर और वीडियो शेयर। देखिए आपको मिल गई? हम हमें मिल गई, हम उसको बस डाउनलोड कर रहे हैं और फिर हम उसको शेयर कर रहे हैं और फुल स्क्रीन उसको कर देंगे। हाँ सर अब आप यू कैन कैरी ऑन। हाँ आपको रिमोट एक्सेस कर्सर का हम दे दें, आप कर्सर मूव कर सकते हैं, पीपीटी एक्सेस कर सकते हैं। Are you able to access, Mr. Verma? एक मिनट, I am seeing, but I am not able to have the command. Then what you can do? You can this is change the slides. I will just keep on speaking. Okay. Fine, fine, not a problem. Yes, now I am able to do. Yes. Okay. You know, now we have come to the main thing, that is transformation leadership. There are four things for leadership: one leader, one follower, communication, and situation. If any of these is absent, then leadership is not there. It means leader should be there. Suppose you are leader, then some follower should be with you, and you have to communicate for linking with the follower. And some situation, either it should be office or residence or some place. Otherwise, hawa mein the leader banega nahi, kahi place pe banega, so there should be some situation. These are the four factors. Then definition, yahan dekhiyega thoda difference hai transformational mein. Transformational leader stimulate and inspire their followers to achieve extraordinary outcomes. वहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम लोग बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम इन द प्रोसेस डेवलप देयर फॉलोअर्स ओन लीडरशिप कैपेसिटी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपका आउटकम करेंगे प्रोसेस में, लीडरशिप क्वालिटी को कैपेसिटी को हम डेवलप करेंगे। इट मीन मेन फोकस है इसमें फॉलोअर्स पे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट पे। दिस लीडर्स हेल्प फॉलोअर्स टू ग्रो एंड डेवलप बाई रिस्पॉन्डिंग टू फॉलोअर्स इंडिविजुअल नीड्स बाई एम्पावरिंग दैम and aligning the objectives and goals of the individual follower, leader, the group and the larger organization. It means individual follower को हम ज़्यादा focus करते हैं कि वो उनकी need group मतलब satisfy हो और वो empower हो, वो काम करें, और as a result of which क्या होगा, leader की growth भी होगी, group की भी होगी, organizations की भी होगी। कि जब हमारी जैसे आपके organization में मान लीजिए आपके पास 10 लोग हैं, तो 10 में 4 की leadership quality position है, अगर उनमें वो क्वालिटी आ गई तो उनका तो फायदा होगा होगा, वो खुश होंगे कि चलो मेरी यही ग्रोथ हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, संघ में ऑर्गेनाइजेशन का फायदा भी होगा और लीडर है आपका तो फायदा होना ही है, बिकॉज दे आर अंडर यू। इट मींस लीडर इज डेवलपिंग अदर लीडर्स, जो आजकल कॉन्सेप्ट चलता नहीं है कि डेवलपिंग सबॉर्डिनेट्स, तो लीडर इज डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स। नाउ इसके एजम्पशंस क्या है, पीपल विल फॉलो ए लीडर हु इंस्पायर्स देम, जैसे लोग ऑफिस में ऐसे बॉस को लाइक करते हैं जो उनको इंस्पायर करता है, उनको करियर के लिए, लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ हर चीज में मोटिवेट करता है, तो दे वांट टू वर्क मोर कि भाई ऐसे में हमारी ग्रोथ भी होगी। तो हर आदमी इंटरेस्टेड किस में रहता है, अपनी ग्रोथ में, कि मेरी ग्रोथ क्या हो रही है। जितने भी फॉलोअर्स हैं आपके, एम्प्लॉयज भी हैं, वो आते होंगे सुबह शाम, कई बार सोचते होंगे जो बहुत आपके पढ़े लिखे लोग होते होंगे, जो मान लीजिए कम पढ़े लिखे वो तो कुछ नहीं सोचेंगे, जो पढ़ा लिखा टेक्निकली साउंड आएगा वो यही सोचेगा मेरा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो उसको आप अगर इंस्पायर करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, तो आपने रुकेगा नहीं, तो वह रुकेगा नहीं। तो फॉर रिटेंशन ऑफ द पीपल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड इंस्पायर पीपल फॉर देयर करियर। पर्सन विद विजन एंड पैशन कैन अचीव ग्रेट थिंग, और जिसमें विजन और पैशन है वही आगे बड़ी चीज करेगा अचीव।
तो वो इसका एजम्पशन है कि ऐसा हमारा वर्कर रहेगा, फॉलोअर रहेगा. एनर्जी एंड एंथुसियाज आर द टॉनिक्स दैट गेट थिंग्स डन. इसमें क्या एनर्जी, लीडर एनर्जी को इन्फ्यूज करेगा फॉलोअर्स में और एंथुसियास्टिक बनाएगा. मतलब लीडर काम यही है कि इंजन वाला मतलब होता नहीं है कि आप धोंकते रहो, उसको चलाते रहो. ड्राइविंग फोर्स, लीडर विल बी ड्राइविंग फोर्स बेसिकली. वो ड्राइव करता रहेगा लोगों को, और ड्राइव कैसे करेगा वो उसके ऊपर है. चाबुक चलाएगा, प्यार से करेगा, अच्छी पॉलिसी से करेगा, मीठी मुंह से मीठा बोल के करेगा, प्रमोशन से करेगा. उसके कई वो होते हैं, उसके ऊपर टूल्स, हर टूल को यूज करेगा जहां पर जो यूज करना होगा. देन अब इसका गोल क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स गोल क्या है, टू इंस्पायर फॉलोअर्स टू शेयर लीडर्स वैल्यू एंड कनेक्ट विद द लीडर्स विजन. वो जो लीडर का गोल है उसको फॉलोअर अपना गोल समझे, अपनी वैल्यू समझे, इसलिए चलता है शेयर्ड विजन. भाई आप लीडर हैं, आपके संग में कोई आदमी काम कर रहा है, तो उसका क्या ड्यूटी है कि आपके विजन को अचीव करे, आपके गोल को अचीव करे, तभी तो उसको हम सैलरी दे रहे हैं. आप क्यों सैलरी दे रहे हैं, कि आपका जो गोल है, आपका जो विजन है, उसको वो अचीव करे. तो टू इंस्पायर फॉलोअर टू शेयर द लीडर्स वैल्यू एंड कनेक्ट विद द लीडर्स विजन, कि लीडर्स की वैल्यू और विजन पे वो काम करे, तभी उसका कंपेटिबिलिटी आएगी और तभी वो लीडर्स उसकी कहना चाहिए अच्छे उसके टर्म्स होंगे, से पटेगी नहीं. वो लोग कहते नहीं है उसकी हमारी पटती नहीं है, नंबर टू है तो नहीं हमारी पटती नहीं. क्यों नहीं पटती है भाई, इसका मतलब कि कमी कुछ मेरे में है. अगर मेरे नंबर टू से मेरी पटती नहीं है, आई शुड इंट्रोस्पेक्ट कि भाई मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो उसकी मेरी क्यों नहीं पट रही है. सैलरी इतनी ले रहा है, काम अच्छा करता है, बट कंपेटिबिलिटी नहीं है. अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज ए प्रोसेस. जैसे कहा लीडरशिप एक प्रोसेस है, तो ये भी एक प्रोसेस है. इसमें क्या चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्म, प्रोसेस जो चेंज करता है और ट्रांसफॉर्म करता है, इसलिए नाम है ट्रांसफॉर्मेशनल. ये चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देता है कि एकदम से आप जो होता है काया प्लेट करना. तो काया प्लेट कैसे होती है, जब हम कई तरह के प्रोसेस करते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे. प्रोसेस दैट इज कंसर्न विद द इमोशंस, इमोशंस वैल्यूज को ये लीडरशिप हिट करती है. आदमी काम कब करता है, जब वो इमोशनली इन्वॉल्व होगा, उसकी वैल्यू उससे मैच करेगी, उसके स्टैंडर्ड मैच करेंगे, इथिक्स मैच करेगी, और उसका लॉन्ग टर्म गोल. तो इसको ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप का प्रोसेस है वो उसको हिट करता है, इंडिविजुअल की इमोशंस को, वैल्यूज को, स्टैंडर्ड को, इथिक्स को, लॉन्ग टर्म गोल्स को, क्योंकि वो तभी कमिटमेंट होगा उसका. इसका मतलब उसके बारे में बात करते हैं, आठ से पांच काम करो जाओ. ये कुछ लोगों का मेरे से खुला हुआ है, इसको बंद कर दीजिए. ज्योत्सना म्यूट करना पड़ेगा, कुछ लोगों का खुला हुआ है, आवाज आ रही है बहुत डिस्टर्बेंस. अच्छा देखिए, जैसे पहले आपने देखा होगा लोग कहते थे एचआर को, पर्सनल डिपार्टमेंट को, भर्ती डिपार्टमेंट, बस रिक्रूटमेंट करो, 9 से 8 से 5 काम कराओ, घर जाओ. अब एचआर में क्या हो गया सर्कुलर कॉन्सेप्ट, कि आदमी अगर घर में खुश है तो यहाँ खुश है, अच्छा काम करेगा, ऑफिस में अच्छा काम करेगा तो घर में खुश जाएगा, एक सर्कुलर. तो आजकल के ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि एम्प्लॉयज यहाँ भी खुश रहे, उसके फैमिली के लिए भी काम करेंगे, उसके कैरियर के लिए भी, उसके बच्चों के लिए भी, वाइफ के लिए भी, कॉलोनी में है तो वहाँ भी सब फैसिलिटीज करेंगे, हैप्पी रहे 24 आवर्स. वो क्या कर रहा है उसका हम देखेंगे, कि वो ड्रग एडिक्टेड ना हो, दारू ना पिए, मतलब अच्छी संगत करे, पढ़ाई लिखाई करे, घर जाके पढ़े. अगर वो वैसा रहेगा तो उसका इफेक्ट यहाँ आएगा, यहाँ खुश होकर जाएगा, घर में जाएगा. तो वो हो गया कि उसका टोटल इन्वॉल्वमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हो जाएगा. फैमिली भी कहेगी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा है, जैसे हम लोगों ने बहुत किया है, हर जगह यही करते थे हम, तो कि फैमिली को इन्वॉल्व करते थे, अचीवमेंट बढ़िया किया, किसी ने वर्कर बन गया, बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द मंथ, वाइफ को भी बुलाया, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, उनको सबको फंक्शन में बुलाया, अवार्ड दिया, तो सबने कहा हाँ ठीक है भाई. तो वो और सपोर्ट करते हैं हस्बैंड को, तो वहां पे टाइम पे जाओ, जल्दी जाओ, छुट्टी मत लो, बिकॉज दे कीप ऑन गेटिंग इंपॉर्टेंस. नहीं लोग कहते हैं तुमको क्या मिल गया, तुम्हारा रोज भाग जाते हो ऑफिस में काम करने, तुमको क्या मिल गया, क्या हमको मिल गया. तो दे शुड नो कि हाउ मैनेजमेंट इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू द वर्कर्स. तो वही ट्रांसपेरेंट लीडरशिप में है कि हम मेन फोकस देते हैं फॉलोअर पे. तो फॉलोअर को इतना हम कर देते हैं कि फॉलोअर बिल्कुल हमारा अपना हो जाता है, फुली कमिटेड इमोशनली, रैशनली, इथिकली, हर तरह से
फिर नेक्स्ट हमारा है कि ए ट्रांसफॉर्मेशन लीडर मोटिवेट्स फॉलोअर्स टू अकॉम्प्लिश मोर देन व्हाट इज यूजुअली एक्सपेक्टेड. वो जो एक्सपेक्ट है यूजुअली उससे ज्यादा करता है अचीव. क्यों उसको ऐसा मोटिवेट करते हैं? नॉट बाय बाय माय माउथ, मुंह से भी, पॉजिटिव से भी, एनवायरमेंट से भी, हर तरह उसको ऐसा मोटिवेट करते हैं कि वो ज्यादा अचीव करेगा. सम बिकम्स मोर पावरफुल देन द पार्ट. सिनर्जी इफेक्ट आता है, जैसे 1+1 2 नहीं होता 11 होता है, तो वो भी क्या करेगा कि ही विल ऑल्सो ऑल एम्प्लॉयज विल अचीव मच मोर देन दे कैन अचीव विदाउट माई ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अप्रोच. देन नेक्स्ट फोर आईज और फोर कंपोनेंट्स हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के. ये देखिए, ये सब आप देखेंगे इंडिविजुअल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं. आइडियलाइज इन्फ्लुएंस, लीडर सर्व्स एज आइडियल रोल मॉडल, क्योंकि वर्कर्स लीडर को कोट करते हैं, भाई बॉस तो हमारा आता नहीं है टाइम पे, हमको बोलता है टाइम पे आ जाओ, बॉस तो ऑफिस में बैठे खाएगा, हमें आएगा ऑफिस में बैठे खाना मत खाओ, बॉस ये नहीं करता मुझे ये करा रहा है. तो बॉस शुड बी, लीडर शुड बी ए रोल मॉडल फॉर द वर्क फॉलोअर. इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैव टू बी एबिलिटी टू इंस्पायर, उसको लोगों को इंस्पायर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए. इंडिविजुअलाइज्ड कंसीडरेशन, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स डिमॉन्स्ट्रेट जेन्युइन कंसर्न फॉर नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ द फॉलोअर. जैसे कि मैंने पहले कहा कि इंडिविजुअल का मेन ध्यान रखना है उसकी हमको नीड्स का, उसकी फीलिंग्स का, फीलिंग का भी, क्योंकि कई बार अगर आदमी नहीं बोलेगा तो वो फीलिंग्स उसकी हर्ट होती जाएंगी और वही हो जाता है बाद में ग्रीवेंस, और ग्रीवेंस बनते बनते बाद में क्या होगा, फिर वो काम नहीं करेगा, झगड़ा होगा या वो यूनियन के पास चला जाएगा, काम नहीं करेगा. तो वी हैव टू सी दैट दे डोंट हैव एनी सच डिससेटिस्फेक्शन इन देयर लाइफ. तो उसका हमको ध्यान रखना है एचआर के थ्रू या अपने थ्रू, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, नई एचआर डिपार्टमेंट है, तो मुझे खुद ध्यान रखना है कि हमारा वर्कर किसी तरह से, मतलब कहना चाहिए हर्ट ना हो, खुश रहे. अगर कभी बहुत डांट दिया, डपट दिया, वो कर दिया, तो उसको हमने बाद में बैलेंस कर दिया, होता नहीं है डैमेज कंट्रोल करके बैलेंस कर दिया कि शाम को गया खुश होके गया, ये तो पता चला कल वो हमारे ऑफिस में आया ही नहीं काम करने के लिए, कहेगा शाम को और नौकरी कर लेंगे. क्यों? वो टेक्निकल आदमी है, उसको जॉब की कमी नहीं है. बिकॉज गेटिंग एम्प्लॉय इज डिफिकल्ट, एट द सेम टाइम रिटेनिंग इज मोर डिफिकल्ट देन गेटिंग. आदमी हम अच्छा ले आते हैं, उससे डिफिकल्ट होता है उसको रिटेन करना. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन. ट्रांसफॉर्मेशन लीडर चैलेंजेस द फॉलोअर्स टू बी इनोवेटिव. वो हरदम कहेगा उसके माइंड को हिट करने के लिए कि वो कुछ इनोवेट करे, क्रिएट करे. इसके बाद उस हरदम कहेगा सोचो, तुम भी सोचो, मैं कर रहा हूँ तुम सोचो, मुझे कल बताना कैसे करेंगे, क्या करेंगे. तो बट ऑलवेज वी हिट अपॉन द मेंटल साइड ऑफ द फॉलोअर, ताकि एक लीडर है उसके पास 10 फॉलोअर्स हैं, तो सब मिलकर सोच रहे हैं तो एक रास्ता अच्छा निकल आएगा, तो वो उसको हिट करेगा इंटेलेक्चुअली भी, मेंटली भी. अब इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं. आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस क्या होगा? लीडर एक रोल मॉडल बनेगा, हाई मॉरल वैल्यू होंगी, इथिकल वैल्यू स्टैंडर्ड होगा, वो रेस्पेक्ट अटेंशन सब कंसीडरेशन फॉलोअर्स के लिए करेगा. कंसीडर डिफरेंसेस बिटवीन फॉलोअर्स लेवल्स ऑफ एबिलिटीज, मतलब उनको डिफ्रेंशिएट करेगा. जैसे कि जो भी उनमें एबिलिटीज है, माने कोई बहुत काबिल आदमी आपका है, तो उसको आप कभी कुछ कहना भी होगा, आप अलग से उसको बुला के कहोगे, सबके सामने नहीं डांटोगे, बिकॉज यू विल डिफरेंशिएट ड्यू टू हिज एबिलिटीज. अच्छा, वेज ऑफ लर्निंग एंड अप्रोचेज टू वर्क सब अलग अलग होंगे आपके. एनकरेज द फॉलोअर्स, फॉलोअर्स को हम एनकरेज करेंगे काम करने के लिए. अंडरस्टैंडिंग पर्सनल फीलिंग्स एंड नीड्स, उनकी पर्सनल फीलिंग और नीड्स को हम समझेंगे. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है फॉलोअर्स पे ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? लीडर अकेले नहीं करता है, लीडर एक है, फॉलोअर्स करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे अभी मोदी जी क्या कहते हैं कि 125 करोड़ 130 करोड़ भारतवासी इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेंगे. वो करेंगे क्यों? वो लीडर हैं, तो क्यों कहते हैं कि इंडियंस करेंगे, सारे मिलकर वही काम करेंगे. जैसे अभी आपने कहा कि एमएसएमई का रोल इंपॉर्टेंट है, हर आदमी अपने अपनी एरिया में काम करेगा तो टोटल हमारी कंट्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉई, हर फॉलोअर हमारा ट्रांसफॉर्म करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि अकेले हम लीडर की तरह नहीं कर सकते, हम लोगों को इनेबल कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन
आप कर सकते हैं, तो दो हाथ लीडर के पास हैं, अब उसके पास हो गए तो 20 आदमी 20 दिमाग 20 पैर, तो सब मिलकर करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें इंडिविजुअल पे ध्यान हम देते हैं। अगला है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, लोगों को इंस्पायर करते हैं, इससे पहले बताया, वो लोगों को फॉलोअर्स विद चैलेंजेस एंड मीनिंग फॉर एंगेजिंग इन शेयर्ड गोल्स, वो फॉलोअर्स को चैलेंज भी देगा और बताएगा कैसे शेयर्ड गोल हमारा क्या है, अंडरटेकिंग कैसे हमको करनी है, क्या करना है। शो फॉलोअर्स हाउ देयर वर्क अप्लाइज टू रियल वर्ल्ड, कि जो तुमको हम बोल रहे हैं तुम कैसे करोगे रियल वर्ल्ड में, इट मीन्स हम उसको जो डायरेक्शन देंगे उसको प्रैक्टिस में उसको हेल्प करेंगे, उसको बताएंगे। नहीं तो कहेंगे साहब साहब को क्या है, बस बना चले जाते हैं, बग बग की चले गए, शाम को आके पूछेंगे क्या हुआ, तो मैं तो बोलूंगा मैं चुप हो जाऊंगा, फिर बहुत कहेगा भाई क्यों तुम बोल नहीं रहे हो। तो उसको इसमें हेल्प करनी है, बिहेव इन एन एंथुसियास्टिक पैशनेट एंड एनर्जेटिक वे, उसको फॉलोअर्स को बताना है कैसे काम किया जाएगा, उसको एंथुसियास्टिक वे में बताना है, खुद लीडर अगर एंथुसियास्टिक है भाई देखो हो जाएगा, चिंता मत कर मैं हूँ मैं हेल्प करूंगा, तुम करो जो हेल्प हो मुझसे पूछ लो, मैं नहीं हूँ इनसे पूछ लो जो मिस्टर बी है, काम करो और एनर्जेटिक वे में काम करो, तुमको हम ये देखो ये हम लोग इतना आगे बढ़ जाएंगे, ये हम सोचा है हमने वर्कर्स के लिए हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, तो वर्कर्स को जहाँ ऐसा चीज़ें आ रही आजी वो अच्छी मालूम चल जाएंगी तो वो उससे इंस्पायर्ड होगा, वो काम है लीडर का, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का। अगला आ गया इंडिविजुअलाइज कंसीडरेशन, कि जैसे ही बताया कि इंडिविजुअल को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपके पास 10 लोग हैं, एक आपका मान लीजिए सीए है, एक मान लो आपका बीई है, एक डिप्लोमा होल्डर है, एक आईटीआई होल्डर है, तो सबको आप अलग अलग ढंग से उनको आप डील करेंगे, एक संघ में नहीं कर सकते, एक संघ बुला सकते हैं जनरल फॉर जनरल मीटिंग, भाई देखो आज ये काम करना है, शाम को ये है, कल ये है, बट इंडिविजुअल आप समझाएंगे अलग अलग, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग है, थिंकिंग अलग है, अप्रोच अलग है, एबिलिटीज अलग है, सब अलग है, तो उसके लिए लीडर करेगा कोचिंग। आजकल आपने सुना होगा कोचिंग मेंटरिंग का बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब चल रहा है, रिवाज है, कोचिंग में आदमी कोच करता है कि भाई ये काम ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, मेंटरिंग में लाइफ लॉन्ग मेंटरिंग होती है कि ऑर्गेनाइजेशन भाई मेंटर बना दिया आपने भाई ये उसको मेंटरिंग करेगा, उसकी जो प्रॉब्लम होगी ये आके अपने दो लेवल ऊपर वाले को बता देगा, तो मेंटर हो गया, तो वो जो एम्प्लॉई है वो खुश हो गया कि चलो भाई हमको प्रॉब्लम होगी तो हमारा बॉस डांटेगा नहीं, हम जाके मेंटर से हेल्प ले लेंगे। तो कोचिंग मेंटरिंग आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ही बताया एमएसएमई में कोई बात नहीं, तो आपको अगर टाइम है या आपका नंबर दो का टाइम है तो कोचिंग मेंटरिंग थोड़ी देर कर सकते हैं, बट डेली कोई नहीं चाहता है, कभी कहो हमने हफ्ते में कर दिया महीने में कर दिया कोचिंग मेंटरिंग, तो इसने एम्प्लॉय खुश हो गया कि चाहे भाई मेरा बॉस डांटता भी है तो मुझे हेल्प भी करता है, मुझे सिखाता भी है, मुझे एक फादर की तरह ट्रीट करता है, ये फादर की तरह डांटता भी है सिखाता भी है आगे बढ़ाता है, तो ये हमारा बहुत बहुत अच्छा है, इसको नहीं छोड़ेंगे, तो ये हमारा ध्यान रखता है हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे करियर के बारे में। तो कोचिंग मेंटरिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ फुलफिलमेंट सेल्फ वर्थ, ये सब हमको इंडिविजुअल को उसको सिखानी है बतानी है डिस्कस करनी है। हर आदमी चाहता है मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, हम जिस एरिया के उसी एरिया में आगे बढ़े, मेरा भी कुछ लगे हम कुछ कर रहे हैं, कुछ हमने काम किया कुछ अचीव किया, सेल्फ वर्थ हमारी क्या है, उस सब में हमको एज ए लीडर हेल्प करनी है, तभी तो वो रुकेगा मेरे पास, नहीं तो क्यों रुकेगा, वो छोड़ के भाग जाएगा। आजकल अच्छे लोगों को रोकना बहुत डिफिकल्ट है, आप भी देखते होंगे बहुत से मिल जाएंगे जो आपके अनस्किल्ड हैं, स्किल्ड हाईली स्किल्ड को आपको रोकना बहुत डिफिकल्ट है, और सैलरी भी आप कितनी सैलरी देंगे, सैलरी कोई एंड ही नहीं है, सब आदमी हर आदमी ये कहेगा सैलरी मेरी बढ़ाओ सैलरी बढ़ाओ, एक कल्चर खराब हो जाएगा, तो सैलरी ना बढ़ाते हुए भी हमको उसको मोटिवेट करना है कैसे, बाई आवर लीडरशिप स्टाइल, क्योंकि सैलरी बढ़ाना कोई बेस्ट अप्रोच नहीं है, तो साल में एक बार इंक्रीमेंट दे दिया हमने, रोज तो थोड़ी हम सैलरी बढ़ाएंगे, हर आदमी यही धमकी देगा रोज। लिसन टू द फॉलोअर कंसर्न एंड नीड्स, हमको फॉलोअर के कंसर्न और नीड को समझना, जैसे पहले ही बताया इसमें हर चीज पे बेस्ड है, मतलब फॉलोअर को इग्नोर नहीं करना है। ऑन द अदर हैंड ऑटोक्रेटिक में क्या था, फॉलोअर से कोई मतलब नहीं था, जो हमको हम करना है हम वही करेंगे, जो करना है वो हम अपने हिसाब से करेंगे, डिसीजन हम लेंगे, फॉलोअर टोटली इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे सारा ध्यान हमारा फोकस हो रहा है किस पे, फॉलोअर्स पे, क्योंकि वो हमारी शक्ति हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ हैं, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं,
इतने पैसे हमने खर्च किए हैं वो उसको मैनेज कर रहे हैं मेरी एब्सेंस में, तो दे शुड फील प्राइड इन मैनेजिंग देम, दे शुड फील ए प्राइड ऑफ ओनरशिप, ये होता नहीं है शेयरिंग ओनरशिप, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दे शुड फील ओनरशिप, ओनरशिप फीलिंग आएगी तो वो हमारी बिजली भी वेस्ट नहीं करेंगे, रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं करेंगे, सोचेंगे भाई ये मालिक नहीं है तब भी ये मेरा काम है, मेरा ओनरशिप है, हमको खाली नहीं बैठना है, तो वो फीलिंग हमें लानी है, वो हम कब लाएंगे, जब उनको हम ध्यान रखेंगे, उनकी फीलिंग का ध्यान रखेंगे, उनके फ्यूचर का, उनके करियर का, उनकी प्रॉब्लम का, तो एक हमारी में क्या ट्रस्ट आ जाएगा, ट्रस्ट डेवलप हुआ तो वो फिर हमारे लिए अपनी जान भी दे देंगे। नाउ नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल, जैसे ही बताया कि उसको हमको थिंकिंग के लिए उसको मोटिवेट करना है, सोचे और सोचे, री एग्जामिन देयर असम्पशन अबाउट देयर वर्कर, री थिंक, वो बार बार सोचेगा हाउ इट कैन बी परफॉर्म, कैसे काम करना है, कैसे बेहतर करना है, वो इनोवेटिव बारे में सोचेगा, क्रिएटिव बारे में सोचेगा, लीडर उसको हेल्प करेगा, हेल्प फॉलोअर सी द बिग पिक्चर एंड हाउ दे कनेक्ट टू द लीडर ऑर्गेनाइजेशन ईच अदर एंड गोल, तो बार बार वर्कर को समझाएगा कि भाई देखो तुम ये कर रहे हो, उसका क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारा अब विजन ये है, गोल ये है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, अच्छा साहब ये बात है आपको पहले नहीं बताया था, मैं अभी कर देता हूँ, तो एवरी वन वॉन्ट्स टू फील प्राइड टू हैव ए बिगर पिक्चर, जैसे लोग कहते हैं ना कहीं पे कोई बिल्डिंग बनती है भाई क्या बन रहा है, कहते हैं हम ईंट जोड़ रहे हैं, तो कहते हैं हम दीवार बना रहे हैं, एक मिस्त्री कहता है साहब हम तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं ऐसी, तो एक पिक्चर उसको क्लियर हो जाएगा तो उस हिसाब से बनाएगा कि हमारी टोटल बिल्डिंग में कोई गड़बड़ी ना आ जाए, तो उसको हम बिगर पिक्चर देंगे, गोल देंगे, तो वो हमारे छोटे वाले कामों में भी गलतियाँ नहीं करेगा, क्योंकि सब सिस्टम को मिला के एक कई पार्ट मिला के एक मेन पार्ट बनता है, तो कहीं भी गलती नहीं आएगी, तो मेरा रिजेक्शन लेवल कम हो जाएगा और ओवरऑल प्रोडक्ट में हमारी क्वालिटी आएगी। आस्क क्वेश्चंस दैट मेक द फॉलोअर थिंक, इसकी मतलब कि हमको फॉलोअर को थिंकिंग प्रोवोकिंग बनाना है कि सोचे, इस लोग कहते नहीं शायद सोचना काम मेरा नहीं है, मेरा काम करना है, आप बताओ क्या करना है, तो उसको लेवल के हिसाब से, अब ठीक है जो आदमी लिटरेट है अनस्किल्ड है वो फिर भी सोच सकता है, थोड़ा बहुत सोच ही लेगा अपने हिसाब से, क्योंकि भगवान ने सबको बुद्धि दी है, लेकिन ज्यादा सोचिए कौन, जो पढ़ा लिखा है जो कर सकता है, लेकिन हमको सबको मोटिवेट करना है कि भाई सोचो अपने हिसाब से, सोचो भाई देखो मैं सोच रहा हूँ तुम भी सोचो, तुम आप तुम्हारे साथी होंगे तो काम करते होंगे, तुम घर जाओ सोचो तुम्हारे बहुत दिमाग है भाई, तुम्हारे भी दिमाग बहुत इतने साल से काम कर रहे हो, सोचो तो और खुश हो जाएगा कि साहब मेरे दिमाग को मानता है, भाई तुम्हारे भी बहुत दिमाग है इतने साल से काम कर रहे हो बड़ा सा, और इसको सोचो आई एम श्योर यू कैन डू इट, तो यू शो योर enthusiasm, यू शो योर कॉन्फिडेंस इन हिम कि भाई आई एम श्योर यू कैन डू इट, तो अपने आप करेगा जो हम उसको कॉन्फिडेंस देंगे, और अगर हम कह देंगे तुम तो कर ही नहीं सकते हो, मुझे पता है तुम नहीं कर सकते हो, तो वो करता हुआ भी नहीं करेगा, अगर हम कह देंगे कि हाँ भाई भाई मुझे पता है तुम कर लोगे तो कर लेगा वो, तो एज ए ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हमको अपना काम करना है इनेबलर का, टू इनेबल द फॉलोअर टू परफॉर्म हिज बेस्ट एंड डू द मिरेकल। अब आया स्टेप्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, ये चीजें जरा आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हैं ही, बट देखिए सबसे पहले आपका भी सब होगा, हो सकता है आप सब कर रहे हो, डेवलपिंग विजन, सबसे पहले तो विजन बनाना है कि हम क्या काम को करना है, अब विजन शुड बी लॉन्ग टर्म कि भाई आपको 5 साल बाद क्या करना है, 20 साल बाद, भाई जैसे आज शुरू किया काम, हम चाहते हैं 25 साल में मेरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आ जाए, 20 साल में यहाँ आए, 15 में यहाँ आए, 10 में यहाँ आए, 5 में यहाँ आए, हो सकता है 5 साल के बाद तो हम उसको मॉडिफाई कर दें, डाइवर्सिफाई कर दें, चेंज कर दें, बट विजन होना चाहिए हमारा कम से कम 5 साल का जरूर रखिए आप, लॉन्ग टर्म भी और मिनिमम 5 साल, फिर उसको एनुअल करिए, फिर एनुअल को ब्रेकअप करते हैं, भाई हमारा ये विजन है 5 साल का, इस साल का क्या करना है ये करना है, डेवलपिंग विजन स्टार्ट विद क्रिएटिंग ए विजन कि भाई विजन हमारा हमको करना क्या है, क्या करना है, क्या इमेज चाहिए हमको मार्केट में, कैसा प्रोडक्ट आना है हमको, किस लेवल पे आना है मार्केट में, हमको कितना मार्केट शेयर अपना लेना है, किस पोजीशन पे आना है, टर्नओवर कहाँ तक ले जाना है, कितनी फैक्ट्रियाँ लगाना है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाना है, वो सब हमारा क्लियर होना चाहिए, विजन दैट इज एक्साइटिंग एंड अट्रैक्ट पोटेंशियल फॉलोअर, तो विजन हमारा एक्साइटिंग होगा तभी हम काम करेंगे, नहीं तो क्या होगा ये तो हम कर ही लेंगे, तो एक्साइटमेंट के लिए विजन थोड़ा सा चैलेंजिंग होना चाहिए, अट्रैक्ट पोटेंशियल फॉलोअर्स, फिर जो जो कर सकते हो उनको हम कहेंगे भाई वो ये हमारा विजन है आओ मेरे साथ जुड़ो काम करो
तुम लोग यहाँ पहुंच जाओगे, देखो हमारा विजन ये है, हम नंबर वन पहुंच रहे हैं अपने एरिया में, इस प्रोडक्ट में नंबर वन पहुंचेंगे। सेलिंग द विजन, वही बताया विजन शेयरिंग, शेयर आजकल चल रहा है शेयर्ड विजन, अपने एम्प्लॉयज को टीम को बताना पड़ता है, देखो भाई हमारा अब ये गोल है, हम अब ये करने जा रहे हैं, इस साल अगले साल ये करेंगे, पाँच साल में यहाँ पहुँच जाएंगे, दस साल में यहाँ पहुँचेंगे, तभी तो वह फॉलोअर हमारे पास रुकेगा दस साल बीस साल, क्यों रुकेगा, वो एक साल पूरा करेगा भाग जाएगा। वैन ही विल सी कि भाई ये कंपनी अच्छी है, ये चलेगी, इसमें 25 साल बाद यहाँ पहुँच जाएगी, 25 साल मैं भी 50 साल का होऊंगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, तो ही विल मैच हिज एक्सपेक्टेशन विद दी कंपनीज परफॉर्मेंस और कंपनीज गोल, तो वो जब देखेगा मैच कर रहा है तो फिर वो अपना जॉब चेंज नहीं करेगा और अच्छा काम करेगा दिल से। फिर एक रोड मैप तैयार करेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हैव ए क्लियर विजन, हैव ए फेयर आइडिया अबाउट डायरेक्शन टू मूव एंड वांट फॉलोवर्स टू मूव द सेम डायरेक्शन एंड रेडी टू एक्सेप्ट फेल्योर। मतलब ये है कि रोड मैप, मतलब हम एक प्लानिंग पे एक प्लान बनाएंगे, विजन तैयार कर लिया, विजन को शेयर कर लिया, अब कैसे करना है, हाउ टू अचीव, एक हमने बनाया एक्शन प्लान, इसको बोलते हैं एक्शन प्लान। अब एक्शन प्लान में हम लोगों के व्यूज भी लेंगे, कंसल्टेंट्स के, सीनियर्स के, अपने कोलीग्स के, सबके व्यूज लेंगे, फिर एक्शन प्लान बनाएंगे, क्योंकि एक्शन प्लान में हमारा पैसा भी लगेगा जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे, टाइम भी लगेगा, तो वो सब वेस्ट ना हो, इसलिए हम एक्शन प्लान को बहुत ही मेटिकुलसली मैच्योरली बनाएंगे और उसको फिर हम लोग इसलिए रिव्यू करते हैं। आप देखो वो मीटिंग आप करते हैं, मंथली रिव्यू मीटिंग, क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग, सिक्स मंथली, एनुअल, कि भाई हमने जो प्लान किया था हम वही कर रहे हैं, कितना आगे पीछे उस हिसाब से फिर उसको हम मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लीडिंग द चेंज। अब चेंज को लीड करना है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर रिमेन इन फोर फ्रंट ड्यूरिंग द एक्शन। अब जब आप कुछ काम हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आपको आगे रहना, ये नहीं कहना कि भाई ठीक है तुम करो मुझसे मतलब नहीं है, मतलब सपोर्टिव रोल करना है, लीडिंग द चार्ज, वो जो भी काम हो रहा है उसमें हर चीज में सामने आएगा, ऑलवेज विजिबल एंड स्टैंड अप टू बी काउंटेड। भाई दिक्कत हो मैं हूँ, आई एम देयर, कोई प्रॉब्लम मुझे फोन कर सकते हो, मेरे मोबाइल पर बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कभी ये नहीं कहेगा कि ये काम कर दो तुम्हारा काम है, वो कहेगा मैं हूँ, आई एम विथ यू, रात में 10 बजे भी हो 12 बजे मुझे फोन करो, आप भले ही ना करो बट वो आपको कहेगा। इन्फ्यूज द फॉलोअर्स विद कमिटमेंट एंड एंथुसियाज्म, तब उससे लगेगा देखो हमारा लीडर कितना एंथुसियास्टिक है, रात में 12 बजे भी कहता है फोन करो, मतलब ऑलवेज ही इज थिंकिंग ऑफ द विजन टू अचीव द गोल। तो उस हिसाब से हमको दिखाना है कि भाई ये मैं ऑलवेज, मतलब अपना कमिटमेंट दिखाना है हमको लीडर को, क्योंकि लीडर अपना सारा कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी फॉलोअर पे नहीं छोड़ सकता है, नहीं तो वो कहेगा भाई तुम किस लिए हो, तुम बस पैसा खर्च करने के लिए हो क्या भाई। तो लीडर को अपने को टोटली कमिटेड और इन्वॉल्व दिखाना है अपने को, तभी वर्कर भी अपने को दिखाएगा हर तरह से, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, हर तरह से उसको अपना दिखाना है। अब नेक्स्ट आया, अब कॉम्पिटेंसी क्या होती है ये आप देखिएगा, आप सब में सारी कॉम्पिटेंसी होंगी, इसीलिए आप इतने बड़े लीडर बने हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आपने ट्रांसफॉर्म किया है। कंटिन्यूअस पर्सनल डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हर समय अपना डेवलपमेंट करता रहता है, जैसे आप लोग भी यहाँ क्यों आए हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन लीडर बट यू वॉन्ट टू बी बेटर एंड बेटर एंड बेटर टू एड वैल्यू, तो वो अपना डेवलपमेंट करता है कंटिन्यूअस बेसिस पे। वो कैसे करेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज क्या चल रही हैं, नए रूल्स क्या चल रहे हैं गवर्नमेंट के, तो आप कहीं विजिट करोगे, एग्जीबिशन में जाओगे, लोगों से मिलोगे, दूसरी कंट्रीज में जाओगे, हर जगह जाओगे, मतलब अपने को और नॉलेजेबल बनाओगे कि भाई और हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, बेटर वे क्या है, करेक्ट वे क्या है, राइट वे क्या है, है ना। वाइड रेंज ऑफ लीडरशिप स्टाइल, वो जो मैंने भी आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडर वाइड रेंज ऑफ लीडरशिप स्टाइल करता है, एक अगर खाली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो किसी कभी काम नहीं हो रहा है तो काम नहीं हो पाएगा, ये आपने जो मैंने बताया आप यहाँ भी देख लीजिए, वाइड रेंज ऑफ लीडरशिप स्टाइल, कि मैंने कहा ना आप 80% तो ट्रांसफॉर्मेशनल है या 90%, बट 10-20% आपको रखनी है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि फॉर मीटिंग द सिचुएशन इन द ऑफ द इमरजेंट नेचर, काम अर्जेंट हो गया, एकदम से आग लग गई, एकदम से इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हो गया, काम अर्जेंट काम है, उधर बॉस आगे आपको, मतलब कोई भी काम अर्जेंट टाइप का हो गया जिसमें कि यू कांट अफोर्ड टाइम, यू कांट अफोर्ड पर्सन, ये काम ए को करना है तो ए ही करेगा भाई, ये काम तुमको ही करना है, कोई और नहीं करेगा, दिस इज माई ऑर्डर, यू विल से दिस इज माई ऑर्डर, यू हैव टू डू, अदरवाइज टुमारो यू विल नॉट बी हेयर, तो यू हैव टू बी ऑटोक्रेटिक।
सम टाइम भाई कोई कर लो डेमोक्रेटिक लेजर्स करे, जब चाहो कर लो, हमको महीने भर में चाहिए, जब चाहो कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको सर्वेंट लीडरशिप, भाई देखो मैंने तुम्हारे लिए सुविधा कर दी है, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, ये तुम्हारे लिए ठंडा कूलर लगा दिया पानी का, बढ़िया, ये क्या सुविधा कर दी है, ये तुमको और कर दिया है, सब मैं सेवक हूँ वर्कर्स का। तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी ट्रांसफॉर्मेशनल। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अपना डेवलपमेंट भी करता है, लीडरशिप स्टाइल रखता है, क्यों, सिचुएशन चेंज होती रहती है। कई बार आपको डंडा चलाना पड़ता है, जहां की लोग ऐसे नहीं मानेंगे, एकदम से आपको सख्त होकर ऑर्डर देना पड़ता है, दिस इज माय ऑर्डर, आप ऑर्डर फॉलो करो, लेकिन वो आप रोज नहीं कहेंगे, रोज करेंगे तो कहेंगे तो लोग मानेंगे भी नहीं। पर्सनल वैल्यूज एंड विजन एंड गोल्स, उसकी अपनी वैल्यूज होनी चाहिए, विजन और गोल। वैल्यूज मतलब इथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, विजन क्या करना है, क्या हमारा गोल है। रिस्क टेकिंग एंड करेज, लीडर शुड बी रिस्क टेकिंग, अदरवाइज लोग कहेंगे तो इनके कोई रिस्क टेकिंग नहीं है, मतलब आपको कैलकुलेट करके रिस्क लेना पड़ेगा, नो रिस्क नो गेन, जो भी काम करना है हमको रिस्क लेना पड़ता है। नई मशीन हम लगा रहे हैं कोई भी, वो भी एक रिस्क है कि हमने इतना पैसा खर्च किया है, रिस्क इसलिए है, उतना पैसा हम कितने में कमाएंगे, तब तक हो सकता है डिमांड टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हर चीज़ में हमको रिस्क चाहिए, करेज चाहिए। मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, क्या इन्फॉर्मेशन नॉलेज आजकल बेस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों, इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना, उसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो इतना ईजी हो गया है, क्लिक ऑफ द माउस, इंटरनेट में हर चीज़ अवेलेबल है, आपको मोबाइल पर अवेलेबल है, सब आपको मतलब इतनी आजकल सुविधाएँ हैं, मार्केट में एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, इट मीन्स आपको इन्फॉर्मेशन लेके तब डिसीजन लेना है, बिकॉज योर डिसीजन बी रॉन्ग, बीइंग ए लीडर आपका डिसीजन अगर मान लो गलत हो गया तो इट विल पे वेरी हैवी कॉस्ट, क्योंकि आपने इतना टाइम लगाया, इतना पैसा लगाया, सब कुछ खर्च किया, रिसोर्सेज किए, तो योर डिसीजन शुड बी करेक्ट, फॉर दैट यू शुड हैव ऑल द रिक्विजिट फुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इंक्विजिट माइंड एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू अप्लाई रिसर्च फाइंडिंग, लीडर शुड हैव इंक्विजिटिव माइंड, मतलब क्यूरियस माइंड, ऑलवेज टू लर्न समथिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑलवेज थिंक बियॉन्ड द बॉक्स टू अप्लाई रिसर्च फाइंडिंग्स, मतलब आप पढ़ते रहेंगे तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मेजर परफॉर्मेंस, ही ऑलवेज मेजर परफॉर्मेंस, इसलिए लोग कहते नहीं भाई डेली मुझे रिपोर्ट लाओ, आप भी करते होंगे, भाई मुझे डेली शाम को रिपोर्ट चाहिए कितना काम हुआ, तो यू विल मेजर कि आज हमको हम करना था इतना काम, हमने किया कितना, यू विल मैच, भाई इतना डिफरेंस आ रहा है, भाई हमारा कल पूरा करो या वीक में पूरा करो या मैक्सिमम मंथ में, मंथली टारगेट शुड बी मेट विद द मंथली टारगेट विद इन द मंथ। तो आप अपना डेली परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, क्यों, आपको अकाउंटेबिलिटी देखनी है दूसरों की भी, अपने अपने गोल की भी, कि हमारा गोल कितना अचीव हो रहा है। ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज एंड नेटवर्किंग, वो नई नई टेक्नोलॉजीज को ब्रेक थ्रू करेगा, उनको अडॉप्ट करेगा और नेटवर्किंग करेगा लोगों से, जैसे आपका ये IIA भी क्या नेटवर्किंग के लिए है, सब लोग मिलते हैं, शेयरिंग करते हैं नॉलेज को, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को, और फिर उसमें अपना डिसीजन लेते हैं, उससे बेनिफिट होता है। तो नेटवर्किंग आजकल बहुत ज़रूरी है, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी प्रोफेशन हो। रिकवरी ओरिएंटेड, कि भैया मैंने बताया जो लॉस हो गया उसको हमने रिकवर कर लिया ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, भाई हर चीज़ में एविडेंस के बेस पे हमको प्रैक्टिस करना है कि ये ऐसा हुआ है इसलिए हम ये कर रहे हैं। जैसे आप वर्क फॉलोअर से भी कह सकते हो, भाई ये मैंने देखा कल ये चीज़ प्रॉब्लम ये आई थी इसलिए मैं आज ये कर रहा हूँ, मतलब क्यों कर रहा हूँ, वाई। तो एविडेंस विल गिव ए बेस टू यू फॉर एक्टिंग, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये इसका साक्ष्य है, एविडेंस है। एलिमिनेशन ऑफ डिस्पैरिटीज, वही मैंने कहा कि लीडर को डिस्पैरिटी नहीं करनी है, सबके लिए इक्वल होना है ताकि लोग ये ना कहें अनबायस है। उसका बेस्ट सिस्टम क्या है कि आप लोग भले ही छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ खास खास रूल बनवा लीजिए और उसमें रूल में मतलब आप किसी से भी हेल्प ले लीजिए, चाहे गुप्ता जी से हेल्प लीजिए, मुझसे लीजिए, कुछ से ले लीजिए, आपका बना ही होगा। रूटीन चीज़ों के लिए अपने कुछ रूल बना लीजिए ताकि लोग आपसे बार बार ना पूछें, ताकि वो लेबर लॉ के हिसाब से रूल्स हों और आपका उसमें काम बहुत हल्का हो जाएगा और लोग कहेंगे भाई ये तो रूल ने किया है, एक्शन भी ले रहे हैं, सस्पेंड भी कर रहे हैं, चार्जशीट भी कर रहे हैं, डिसमिस भी कर रहे हैं, तो क्या होगा उसमें, एक ये हो जाएगा कि भाई ये तो रूल के हिसाब से कर रहे हैं और नॉट हमको पनिश कर रहे हैं। अब वो क्या होगा, कॉन्ग्रीगेट विजन एंड इनोवेशन, वो इनोवेशन और विजन को मिलाएगा।
स्ट्रेटजिक अलायंसेस करेगा लोगों से, जैसे आजकल बिजनेसमैन क्या करते हैं कि भाई उसकी फैक्ट्री खरीद ली, उसके संग उसको मर्जर कर लिया, उसको एक्विजिशन कर लिया, कोलेबोरेशन कर लिया, तो वो आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कोलेबरेटिव रिलेशनशिप वो करता है, कोलेबरेटिव रिलेशनशिप की को मैनेज, जैसे होता नहीं है कि भी मिलके काम करना है, मिलके भाई कोलेबोरेशन से सब काम चलता है भाई। ये जैसे आजकल एंसिलरी में क्या है, कोलेबोरेशन है, आपने कहा भाई ये पार्ट मैं बनाता हूँ तो वो पार्ट तुम बनाओ। अब स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है, ब्लेड कहीं से आ रहा है, प्रोसेसिंग कोई कर रहा है भाई, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ऑल द प्रोडक्ट बाय यू, तो रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है, प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं, फिनिशिंग कोई और कर रहा है, तो तीन चार लोग मिलकर कोलेबोरेशन में हमारा काम हो जा रहा है। बिजनेस एक्यूमेंट वही कि हमको बिजनेस की मतलब नॉलेज होनी चाहिए, इतनी स्किल होनी चाहिए कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे मिलेंगे तो हमको हो जाएगी, तभी तो हम बनेंगे लीडर, ट्रांसपेरेंट लीडर, अगर पता ही नहीं है तो हमको लोग बेवकूफ बना देंगे। फिनेंसिंग स्ट्रेटजीज भी फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी बैंक कितने पैसे पे लोन दे रही है, कितने इंटरेस्ट पे लोन दे रही है, कौन कौन इंस्टीट्यूशन हैं, सारा कौन सा हमारा एडवाइजर ठीक रहेगा, कौन सा सीए ठीक है, मतलब सब चीज़ हमको पता होनी चाहिए। स्ट्रेटजीज क्या है हमारी सोर्सेज ऑफ फंड के लिए, मैनेजिंग ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड। अब ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक्स, डायनेमिक्स क्या है, जैसे होता है ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक्स में क्या आएगा, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या चीज़ करें कि ऑर्गेनाइजेशन ठीक चले, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के लिए। जैसे लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, आपने कोई भी पॉलिसी ले ली, सपोज आपने कहा भाई ठीक से कल से वर्कर्स यूनिफॉर्म के बिना आएंगे, हम कुछ हमको अलाउ नहीं करेंगे, स्ट्राइक हो गई, तो ये एक डायनेमिक हो गया कि आपने कहा यूनिफॉर्म वाले इशू पे हमारी स्ट्राइक हो जाती है, तो उसको आप स्टेप बाई स्टेप करेंगे भाई ठीक है, जो लोग यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे उनको हम आधे घंटे दिन का पैसा काटेंगे या 10 मिनट ऊपर होंगे तो लौटा देंगे, वो आप एक पॉलिसी पा सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक्स को आप टच देखोगे कि हम क्या क्या चीज़ों को से ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक्स कर सकते हैं, क्या चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक्स को अफेक्ट करती हैं नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली, तो उनको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर टीम एंड एक्सपीरियंस। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहाँ मैं बता दूँ, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली लीड्स टू द ट्रेनिंग पार्ट, और दूसरा पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पूरा स्ट्रक्चर सब आता है, फ्रॉम रिक्रूटमेंट से लेकर पूरा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग, आपका मैन पावर प्लानिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, ऑल दिस टिल सेपरेशन। और HRD भी उसका पार्ट है, HRM का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का HRD पार्ट है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली होता है उसको डेवलप कैसे करें, थ्रू ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स थ्रू ट्रेनिंग एंड वेरियस एक्टिविटीज ऑफ स्किल डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट। तो उसको बेसिकली है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो उसको करना आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को डेवलप करेगा इंडिविजुअल को, इसलिए उसको आना चाहिए। हर आदमी चाहता है ट्रेनिंग हो और उसको लेटेस्ट रहना है इसकी नॉलेज में, इसलिए इसको हमको ट्रेनिंग करनी है। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग प्रोसेस टूल किट, उसको पता होना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करें, कैसे ब्रांडिंग करें, क्योंकि आजकल है जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल चीज़ है। तो आपको हम कैसे विजिबिलिटी अपनी बढ़ाएं, कैसे फोरम पर जाएँ, किस किस फोरम में कोलोबरेशन करें, तो कैसे ब्रांडिंग करें, कैसे मार्केटिंग प्रोडक्ट की करें, कॉस्ट देखनी है अपनी, क्या हमारी कॉस्ट आ रही है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या, प्रोडक्ट कॉस्ट है क्या, मार्केटिंग प्राइस रखना है, क्योंकि इतना कंपटीशन है, बिकॉज वी कांट स्पेंड मच मनी ऑन द मार्केटिंग, तो वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। नेगोशिएशन स्किल्स, हमको वेंडर से नेगोशिएट करना है, यूनियन से करना है, कहीं भी करना है, वो स्किल हमको आनी चाहिए। इट मीन वी शुड हैव ए स्किल ऑफ द इंटरपर्सनल नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स, तभी हम नेगोशिएशन स्किल कर सकते हैं, एंड नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट तो जरूरी है ही, खैर तभी नेगोशिएट करेंगे। जो हमको इंटरपर्सनल भी आता है स्किल, कम्युनिकेशन भी आता है और सब्जेक्ट की नॉलेज भी है, देन वी कैन नेगोशिएट। डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही होता है कि जहां दो लोग होंगे वहां डिस्प्यूट होगा। लोग पुरानी कहावत है कि एक टोकरी में चार बर्तन होंगे खटकेंगे, जहां वर्कर्स रहेंगे रूप रहेगा कुछ ना कुछ डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करें विदाउट अफेक्टिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो लीडर भी आना चाहिए कि हम किसको हैंडल करें, कैसे करें, क्या करें, उसका मैकेनिज्म बहुत से होते हैं, तो वो उसके थ्रू हमको मतलब लीडर को आना चाहिए। ग्रुप फैसिलिटेशन, कि ग्रुप को फैसिलिटेट क्यों करेंगे, अगर हम ग्रुप को फैसिलिटेट करेंगे तो इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बनते हैं, ग्रुप सब ग्रुप, तो अगर ग्रुप को हम मतलब कैसे मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, तो इंडिविजुअल भी एनकरेज होगा, और इनकरेज इंडिविजुअल को करेंगे तो ग्रुप होगा, दोनों वैसी वर्षा है। ग्रुप इज फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल मेक द ग्रुप। तो इस तरह को करना है कि ग्रुप में इंटर ग्रुप राइवलरी भी ना है और एक कोहेसिव ग्रुप बने जो सपोर्ट करे हमको मैनेजमेंट को। ये होता नहीं है, ये हमारा प्रोडक्शन ग्रुप है, ये HR ग्रुप है, ये मार्केटिंग ग्रुप है,
और लेकिन सारे ग्रुपों में आपस में एक ऐसी टीम है कि हम सब काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ए के लिए, तो सब में एक कोहेसिव फीलिंग आनी चाहिए, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए लीडर में। कॉन्सेप्ट मैपिंग कि क्या करना है कैसे करना है, एक कॉन्सेप्टली बड़ा क्लियर होना चाहिए। वो कब होगा क्लियर, जब उसको नॉलेज होगी, लोगों से मिलेगा, नेटवर्किंग करेगा, पढ़ेगा, तो उसमें मतलब आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी होगी, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी हम क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए लीडर को सोचना चाहिए थोड़ी देर, हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सभी लोग कहते हैं डेली लीडर को पढ़ना चाहिए आज मैं क्या करना है, शाम को प्लान करें मैंने क्या किया कैसे किया, जस्ट फॉर इंट्रोस्पेक्शन। अच्छा आज मैंने ये गलती, कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, बिकॉज ही हैज टू इम्प्रूव एवरी डे। उसके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी डेली आनी है, क्योंकि कोई एंड नहीं है, हर दिन आप हर दिन आदमी सीख रहा है लोगों की गलती से, अपनी गलती से, हर आदमी गलती करता है, और वो गलती करता है लास्ट डे तक, टिल दी डेथ, और लास्ट डे तक सीखता भी है। इसलिए ये प्रोसेस चलता रहता है। इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि आज मैं अब मैं बहुत हो गया, बोलो नहीं, बट सीखते रहो, तो अगला आदमी भी मोटिवेट होता है। अब देखिए आया, हाउ डज ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप वर्क, ये काम कैसे करती है, इसका क्या इफेक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन पे। जो अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब भी कह रहे थे ना, आपकी एमएसएमई में क्या फर्क पड़ेगा, सबसे ज्यादा फर्क ये पड़ेगा कि सेट आउट टू एम्पावर फॉलोअर्स एंड नर्चर देम टू चेंज। कि जो वर्कर्स हैं, कई बार लोग सोचते हैं भाई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा छोटा है यार, कुछ दिन काम कर लो, नौकरी नहीं मिली बाद में चेंज कर लेंगे, या पढ़ के आ गए नौकरी नहीं थी आ गए घर के बगल में है, तो आपको लोगों को रोकना भी है। कि हमने बताया एचआर में सबसे बड़ा हम लोगों का काम होता था टू अट्रैक्ट एंड रिटेन। अट्रैक्ट तो कर लिया, एडवर्टीजमेंट दिया, सब दिखा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, रिटेन करने में प्रॉब्लम क्यों होती थी कि उसको मतलब उसकी नॉलेज के हिसाब से काम मिले, उसको वैसा ट्रीटमेंट मिले, वैसा उसको मकान दें हम उसको, सब कुछ हर समय उसकी अवगत करते रहें। तो सबसे डिफिकल्ट है आजकल ह्यूमन रिसोर्स में अट्रैक्ट रिटेन करना। और जो कंप्यूटर है वो तुरंत आस लगाए बैठे रहते हैं कि हमको आदमी मिल जाए इनका ट्रेंड किया हुआ, तो वो उसको टेक्नोलॉजी भी ले लेते हैं हमारी और उसका फायदा लेते हैं। तो उसको रिटेन करने के लिए उसको हम एम्पावर करेंगे और उसका ध्यान रखना, नर्चर मतलब उसको एक पेड़ की तरह पालेंगे। वो कब करेंगे, जब हम विजन शेयरिंग करेंगे, उसकी फीलिंग का ध्यान रखेंगे, उसके गोल को अगर गोल से मिलाएंगे तो वो बंदा, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है मैं एमएसएमई में जो लोगों को देखता हूँ यहाँ पे, स्पेशली ये आपका उत्तराखंड वगैरह में जो है, इतना ज्यादा टर्नओवर है, लोगों से बात करिए आप, इतना टर्नओवर हो जाता है, वो सिमिलर इंडस्ट्रीज हैं, आपस में टर्नओवर होता रहता है, आधा महीना यहाँ, आधा महीना यहाँ, आधा महीना यहाँ। क्यों? क्योंकि उनमें आपस में लगाव नहीं है, एचओडी का नीचे वाले से, मालिक का तो खैर कई बार नहीं हो पाता, मालिक का इतना पॉसिबल भी नहीं है, बट लोगों को समझाना है हमको, जो वहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर है, कि भाई देखो ये तुम्हारे बच्चे हैं, इनको अपनी तरह ट्रीट करो, इस तरह समझाना पड़ता है हर लेवल पे। क्योंकि एज ए लीडर आप कितना करेंगे भाई, यू कांट बी 100, आपका रोल है विजनरी टू थिंक हमको अब क्या करना है, आपको फंड का भी सोचना है, फंड कॉस्ट भी सोचना है, मार्केट का भी सोचना है, एवरीथिंग, बट आपको सिस्टम को ऐसा करना है कि सिस्टम आपकी है, तो यू हैव टू इनेबल द सिस्टम हेल्प यू। तो आपको लोग एम्पावर करना है, उनको नर्चर करना है, दे बिकम स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल्स फॉर देयर फॉलोअर्स एंड दे क्रिएट ए विजन। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या करता है, वो एक रोल मॉडल बन जाता है फॉलोअर्स के लिए, फिर वो आपको फॉलो करने लगते हैं, जैसा आप करेंगे वैसे वो करेगा। वो कहते नहीं लोग भाई हमारा मालिक करता है इसलिए मैं भी करता हूँ, हम मालिक से सीख रहे हैं, तो मालिक से सीख रहे हैं तो मालिक को एक रोल मॉडल बनना है, फिर मालिक एक विजन क्रिएट करता है, दे एक्ट एज चेंज एजेंट हु इनिशिएट एंड इम्प्लीमेंट न्यू। वो चेंज एजेंट बनते हैं कि भाई ये काम करना है मैं हूँ, और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इट मीन्स वर्कर फॉलोअर हर समय मालिक की तरफ देखता है, लीडर की तरफ देखता है, कि लीडर हमारा चेंज करवा रहा है, लीडर को करेज है, नॉलेज है, सब कुछ है, सपोर्ट दे रहा है, तो वो भी फॉलोअर है, तो वो फॉलोअर है, बट फॉलोअर आपके पूरे टोटली ट्रस्टेड डेडिकेटेड लॉयल फॉलोअर्स हैं, और देन यू कैन वर्क विदाउट एनी ट्रबल। दे एक्ट एज सोशल आर्किटेक्ट। सोशल आर्किटेक्ट मीन्स लोग समाज में ऐसे लोगों को रेस्पेक्ट करते हैं, भाई ये देखो इस इंडस्ट्रीज के मालिक है, इन्होंने सब कुछ संग में लेकर चल रहे हैं, सारे लोगों को साथ में चल रहे हैं, सबका विकास होता है ना, ये सबका साथ सबका विकास, तो इस तरह से ये मतलब अप्रोच इनका होता है। अब आप देखेंगे इस तरह के इफेक्ट क्या हुआ आपका, ये देखिए आप, हाँ, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होल्ड द की टू अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप और कल्चर, अगर आप अच्छे लीडर हैं तो कल्चर आपका प्रोग्रेसिव होगा,
और पॉजिटिव होगा, मतलब वर्कर को आप सीखने दे रहे हैं। नहीं तो कुछ जगह होता है भाई वर्कर को डर रहा है हम सीखेंगे तो हमारा मालिक हमको निकाल देगा, कहेगा कुछ मत सीखना तुम, कुछ टाइम हो खाली बैठे रहना, सीखना नहीं। अगर आप प्रोग्रेसिव में कहेंगे भाई ठीक है तुमको टाइम है तुम कंप्यूटर सीख लो, कल को तुमको हम ये भी काम दे देंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दोनों आपस में इफेक्टिवनेस बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट है डिसीजन टेकिंग बाय द मैनेजर आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मैनेजर जो है उनका इफेक्ट आता है डिसीजन पर, लेकिन वो क्या होता है लीडर नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। डज ए लीडरशिप स्किल ऑफ द मैनेजर हैव टू बी प्रोनाउंस, तो लीडर को क्या क्या काम करने हैं, लीडरशिप के मैनेजर को होता क्या है, मैनेजर ने कहा भाई ये तुम प्रोडक्शन कर दो, बट लीडरशिप को हम लोग नहीं बताते हैं, वो आप लोग प्लीज बताइए कि भाई देखो तुम्हारा काम है अपने लोगों को डेवलप करो, उनको सिखाओ काम कैसे करो, ताकि कभी मान लो तुम भी ना हो, मान लो हम भी नहीं है काम हमारा चल रहा है, तो तुम सिखाओ लोगों को कि लीडरशिप क्या मतलब कैसे तुम एक लीडर बनो, अपने डिपार्टमेंट को खुद करो, ये नहीं रोज मुझसे पूछो। तो वहां पे आपकी हेल्प हो सकती है, क्योंकि आप लोगों के कम लोग होते हैं तो आप उनको थोड़ा समझाइए, बट एट द सेम टाइम ये नहीं कि आपने ट्रेनिंग दे रही समझा दिया कहीं और चला गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ट्रेन तो आपने किया नौकरी किसी और ही करने लगा, आप भी ये फेस करते होंगे, होता है ये बहुत कॉमन है कि हमने उसको ट्रेन कर दिया, जब ट्रेनिंग हो गया तो पहले हम दे रहे हैं 20,000 वहां जाके चला गया 25,000 में। अगर वो मुझसे खुला है तो खुद ही कहेगा साहब मेरे खर्चे हैं प्रॉब्लम है, आप मुझे 2,000 बढ़ा दीजिए तब 2,000। अगर हमसे वो ट्रस्ट नहीं है तो हमको नहीं बताएगा, छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है, और अपना काम भी हल्का करना है, डेलीगेट करना है, नहीं तो हम कितना काम करेंगे, तो हमारा काम विजनरी है। ऑर्गेनाइजेशंस विद ए लार्ज स्पैन ऑफ कंट्रोल आर कंड्यूसिव फॉर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप टू अपीयर। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत ईजी हो जाता है कि भाई आप ट्रांसफॉर्म आप लीडर हैं, आपको नीचे 10 लोग काम करने वाले हैं। छोटे में प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए आपके पास 20 लोग हैं 25 लोग हैं, उसमें ऐसे आपने बहुत देखे मान लो ऐसे हैं जो कि स्किल्ड हैं और 5 अनस्किल्ड हैं, एक ही दो आपके ऐसे हैं जो कि आप ये आपके ये 4 महीने कुछ हैं वो आप काम कर रहे हैं, हमको एक संभालना है या दो को संभालना है, तो उन दो को हम इसमें संभालेंगे कि वो मेरे एब्सेंस में सारा काम संभाल लेंगे। आप लोग करते भी होंगे, आप कहते होंगे भाई ये अभी ये बंदा बड़ा अच्छा है मेरा सब काम संभाल लेता है, मैं आऊँ चाहे ना आऊँ, तो वो काम आपको ज़्यादा करना है और उसको बताना है हमारा हम क्या चाह रहे हैं, और जो लोग हैं उनको इसलिए बताना है वर्कर्स को भी कि भाई ताकि वो मन से काम करें, ये नहीं खाली बैठ गए, फिर उनको उनको भाषण समझाना है ये सब काम किसका है, आपका, आपके मैनेजर का, आपके नंबर टू का, क्योंकि आपको बहुत आगे बढ़ना है, ये कोई एंड नहीं है, गवर्नमेंट की फेरीज का फायदा लेना है हर तरह से फाइनेंशियली टेक्निकली, और बहुत आगे जाना है, ये तो स्टार्टिंग है, ये नहीं कि भाई हम इसी मुलझे हुए हैं, तो उसका रास्ता निकालना है कि हम कैसे ज़्यादा काम कर सकते हैं। आज हम अगर 10 करोड़ कर रहे हैं तो 10 से 50 में कैसे पहुँच, 50 से 100 करोड़ में कैसे पहुँच जाएँ, कैसे 1 से 4 फैक्ट्री लगा लें, तो इस तरह से ये आपका है। तो आपको बेसिकली लोगों को इनेबल करना है, देखिए हम आपको नक्सल बताए थे, नक्सल में क्या है कि बेसिकली आपको अपने लोगों को इनेबल करना है जो कि आपकी हेल्प करें, आपके विजन को शेयर करें, आपके गोल को शेयर करें और आपके हेल्पिंग हैंड बने हर तरह से, ये नहीं कि आ रहे हैं उनका 10 से 5 आए 8 से 5 काम कर चले गए, तो हर तरह से आपके साथ खड़े हैं और कहते हैं ना जान भी दे रहे हैं आपके लिए कि भाई ठीक है वो कब, क्योंकि आप भी उनके लिए इतना कर रहे हैं, तो इस तरह से यू बिकम वर्कर फॉलोअर ओरिएंटेड सो दैट दे मे बिकम डेडिकेटेड टू यू टोटली फॉर अचीविंग योर गोल एंड अचीविंग योर विजन। अब एक छोटा सा और बता दें आपको, एक मेट्रिक जैसे वर्कर्स का है, देखिए अब दूसरी वाली साइड खुलती है तो अभी खोलते हैं एक मिनट, ये तो खैर थोड़ी एग्जाम्पल्स हैं, आप एक मिनट ये देखिए। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन लीडर में जैसे ये कुछ नाम थे, हेनरी फोर्ड ने पूरा बिजनेस चेंज कर दिया मोटर का, स्टीव जॉब्स एप्पल लेके पूरा मोबाइल का चेंज कर दिया, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे ऐसे इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, पूरा इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म कर दी इन्होंने, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट में इन्होंने क्लाउड टेक्नोलॉजी ले आया, पहले नहीं था क्लाउड टेक्नोलॉजी, जेफ बेजोस अमेजॉन का रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड ऑनलाइन सब मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट एंटी अपार्टहाइड रेवोल्यूशनरी, नरेंद्र मोदी जी इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, बी वोकल फॉर द लोकल, अभी हम लोग ने वैक्सीनेशन बना लिया, हर चीज़ में हम लोग कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, श्रीधरन जी मेट्रो रेल वाले हैं, तो इस तरह से क्या है, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर इंडस्ट्री, जैसे इन्होंने किया माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में,
तो आप अपने इंडस्ट्री में कुछ नई, आपके दिमाग बहुत होगा, अपनी एक्सपीरियंस से करिए, लोगों से हेल्प लीजिए, तो उसमें आपका नाम भी होगा, हर चीज़ है, पेटेंट लीजिए, आप आगे बढ़िए, तो यू ट्रांसफॉर्म बिकम ए ट्रांसफॉर्म लीडर फॉर ए फॉर्मिंग ए न्यू इंडस्ट्री, न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड यू यूज योर सेल्फ. नाउ वी विल डिस्कस इन शॉर्ट रिगार्डिंग लीडर एंड ए मैनेजर. ओनली इट विल टेक 2 मिनट्स because you must be having leaders. So leaders are there, but they are not they are manager, but they are not leader. Is it visible now? Please, visible ho raha hai? हो रहा है ना. देखिए, ये है मैनेजर और लीडर, क्योंकि ये हम लोग बहुत करते थे कि भाई, इसीलिए मैनेजर को ट्रेनिंग कराते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट की, कि मैनेजर तो बन गए कि उनको पता नहीं है मेरा रोल क्या है. जैसे आप क्या, जो आपने रखा होगा भाई प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, कुछ तो रखते होंगे ना आपने, तो आप उनको कहिए भाई तेरा काम ये भी है, ये मेरा काम सब कुछ नहीं है. तो किस लिए है? क्योंकि मैनेजर देखता है ओवरसीज करंट प्रोसेस, लीडर देखता है फॉर फ्यूचर, आगे क्या होना है. ये नहीं हमको आज से काम देख लें, हमको और देखना है कि पूरे महीने में हमारा कितना रॉ मटेरियल आना है. विजनरी होना चाहिए, शॉर्टेज ना हो रॉ मटेरियल की, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा हमारा स्पेस ना लगे, माल निकलता जाए आगे. ये नहीं हमारी इसकी इन्वेंट्री प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो मतलब. फिर मैनेजर प्रिफर्स स्टेबिलिटी, मेरी नौकरी चलती रहे. और लीडर क्या करता है? अप्रिशिएट्स चेंज, हर चीज़ में चेंज, कैसे काम करना है, चेंज क्या नया करना है, मतलब, क्योंकि वो इनोवेटिव है. मैनेजर ओरिएंट्स टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म कि भाई मैं तो 5 साल में जीएम बन जाऊंगा, मैं तो ये हो जाऊंगा या नौकरी छोड़ दूंगा. और लीडर ओरिएंट्स टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म कि भी हमको ये करना है 20 साल में, 5 साल में, वो हरदम लॉन्ग टर्म सोचेगा. मैनेजर आज के बारे में सोचेगा भाई, क्योंकि वो ट्रांजेक्शनल है, वर्क रूल काम करता है. भाई इतने लोग आ गए, 8 से 5 काम हो गया, मेरा काम खत्म. लेकिन आप लीडर हैं, आप सोचेंगे भाई इनका काम तो आज खत्म, मेरा काम क्या है? पूरे साल में कितना माल बना, अगले साल कितना बनना है, मेरा 5 साल का ग्राफ ये है. तो आप लीडर हैं, तो आप 5 साल के बारे में सोचेंगे, वो सोचेगा आज के बारे में. तो उसको भी कहना है कि भाई तू भी सोच 5 साल के बारे में. फोकसेस ऑन प्रोसीजर, और आपका लीडर का होगा विजन पे क्या करना है, वो बस प्रोसीजर देखता रहेगा, ऐसे काम करना है, ऐसा करना है. मतलब वो विजनरी नहीं है, उसको कहना है भाई विजनरी बनो, आगे हमारी हेल्प करो, सोचो हमको कहाँ जाना है, हम कहाँ जा सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, आज व्हाट एंड हाउ. और लीडर कहता है व्हाई एंड व्हाट. व्हाई एंड व्हाट मींस वो क्रिएटिव है, इंक्विजिटिव है, इंस्पायरिंग है. और मैनेजर कहता है कंट्रोल, हर चीज़ में कंट्रोल लगाएगा, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, डू डू एंड डोंट. और लीडर कहेगा जो ऐसे करो तुमको, मतलब उसको पता है वो काम किसको देना है. ही नोज हाउ टू डेलीगेट, किसको देना है, क्या देना है, भाई तुम कर लो ये, बिकॉज ही नोज द कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल. और ये कहता है बस कंट्रोल ही कंट्रोल. और लीडर हरदम कहेगा, मतलब बिलीव करता है पार्टिसिपेशन में, डेलीगेशन में. वो कंट्रोल में इसलिए करता है कि मेरी नौकरी में चली जाए तो वो हर चीज अपने आप रख लेगा. और लीडर कहेगा मैं सबको करने दो. यूजेस द रैशनल माइंड, वो बस दिमाग से काम करेगा और ये इंट्यूशन से करेगा. ट्रस्ट इंट्यूशन मतलब कि दूसरा आदमी कर सकता है, करने दो उसको. ही विल एनकरेज अदर्स. वर्क्स विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, वो हरदम कहेगा हम तो इसलिए काम कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में. और लीडर कहेगा टेक सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस कॉन्टेक्स्ट. तो वो हर समय बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में काम करेगा, मतलब वो बिगर कॉन्टेक्स्ट में काम करेगा और मैनेजर हरदम करेगा वर्क कॉन्टेक्स्ट में. तो इन नटशेल ये है कि वर्कर्स की जो है आपका वो आपको कहना चाहिए स्टाइल बहुत ही, मतलब मैनेजर का स्टाइल बहुत ही नैरो होगा. उसको कहना है भाई तुम थोड़ा सा विजनरी बनो, थिंक बियॉन्ड एंड बी विजनरी एंड थिंक फॉर द लॉन्ग रन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अभी तो खैर आपके लिए बेसिकली है कि आप किस टाइप लीडरशिप हैं, कौन सी अच्छी है, क्या है, तो ये नहीं. नाउ आई थिंक वी विल कम फॉर द क्वेश्चन एंड नाउ आई थिंक यू वुड हैव गॉट सम इनसाइट्स. एंड नाउ प्लीज इफ यू हैव टू एड एनीथिंग, यू वांट टू शेयर समथिंग, प्लीज मोस्ट वेलकम. अश्विनी जी, मेरे क्या क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, अगर जो somebody wants to ask some question, डॉक्टर साहब करेंगे.
थैंक यू डॉक्टर वर्मा. साथियों, एक बहुत ही अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ और लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप दोनों के ऊपर वर्मा जी ने बहुत डिटेल में हम लोगों को समझाया किस तरह से हम लोग अपनी इंडस्ट्री में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इस बारे में हम लोगों से बिल्कुल एक बातचीत के लहजे में बात करी जो कि डायरेक्ट हम लोगों के दिल और दिमाग दोनों को हिट कर रही थी. तो साथियों, अगर हम लोगों के कोई क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो, कुछ बातचीत हम लोग आगे बढ़ाना चाहें. हाँ सुनील जी, कुछ कहना चाहते हैं? पंकज जी, हेलो. हाँ सुनील अग्रवाल साहब बोलिए हेलो. पंकज जी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग अग्रवाल साहब, प्लीज. ये दिस मिस्टर वर्मा का सेशन आई फाउंड वेरी एजुकेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव. थैंक यू मिस्टर वर्मा से एक मेरा छोटा सा क्वेरी है. हाँ बोलिए. Postings, transfers, but in our case, in a small scale industry, we find through our vast experience that money is the main motivator. What is your opinion, Mr. Verma, on this? You know, देखिए ऐसा है, what you are saying, money is the main, because I have also interacted with many. They say हम तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं या घर के बगल में फैक्ट्री कर रहे हैं या चाचा ने लगा दिया या मामा ने लगा दिया, ठीक है. और वो उनका क्या होता है, दे आर मोर कंसर्न विद मनी, लेस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. यही आपका कहना है ना? Yes. क्वालिटी से आपका नहीं, उनका कहना चाहिए क्वालिटी नहीं अच्छी देंगे, या उनसे कहना चाहिए कमिटमेंट नहीं है या लॉयल्टी नहीं है. लॉयल्टी नहीं होती है. लॉयल्टी क्या है? जैसे सपोज आपका लॉयल्टी इज देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी. Consistency in work, unless they get more and more money. अच्छा, उसके लिए है ना, देखिए उसके लिए क्या है, देखिए यहाँ पे भी आता है आपका कि motivation वाला आ जाएगा, कि motivation आप कैसे, उनका incentive scheme क्या है हमारी, how to motivate. क्योंकि वो क्या कहते हैं कि जैसे होता है overtime वाला issue इसलिए आता है, वो कहते हैं मैं करूँगा आप overtime दीजिए, या दिन में काम कम करते हैं शाम को काम ज़्यादा कर देंगे, या कहेंगे साहब आप overtime करा लीजिए. उसके लिए क्या है कि उनको थोड़ा सा हमको अपना से इन्वॉल्व करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन से, कि भाई हमारी प्रॉब्लम भी क्या है, उनको एक लिंकिंग करना है, होता नहीं है शेयर्ड विजन, कि भाई देखो तुम अपना तो मांग रहे हो, तुम सोचो हम कहाँ से करें कैसे करें, ये हमारी प्रॉब्लम है, तुम मेरा साथ दो, कंपनी आगे बढ़ेगी, तुम्हारी सैलरी प्रमोशन सब बढ़ेगा, लेकिन तुम ऐसा मत सोचो, तुम सोच रहे हो आइसोलेशन में. तो तुम मिस्टर वर्मा, इन ए कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर नॉट वायबल. And their demand is on rise always. How to tackle this issue? You see, this is a challenge for all, and especially for the technical people. For technical people are much more in demand. That you also know. So only basically, yeah, see, they have to be, you can say, counsel. आपके जो भी deal कर रहा है equipment उसको counseling तो करनी है workers की. Counseling में क्या होता है, आदमी का पूरा आप brainwash कर देते हैं. Counseling कर दी उसको समझा के. If we don't see the immediate loss or profit, see in the long term where we are going. बाहर जाओगे, हम लोग यही करते थे, तो वहां जाओगे वहां ये होगा, वहां ये होगा, वहां ये होगा, यहाँ ये फायदे है. तो we show him the future picture. देखो ये हमारा future है, वहां ये है, अब बताओ. तो आदमी तुरंत चेंज हो जाता है, उसको समझाना पड़ता है. Invariably, Mr. Verma, invariably they are not concerned about profit and loss of the company. Balance sheet of the company. This is none of their business. They don't think about this. Most of the cases. देखिए इसके लिए हमको करना है टू प्रॉन्ग अप्रोच. एक तो ये है कि उनको समझाना, काउंसलिंग करना है. सेकंड थिंग, हर समय अपने पास कुछ लोगों के नाम रखने हैं जो कि इमीडिएटली दे कैन टेक ओवर. वो छोड़ते हैं, धमकी देते हैं, हमको धमकी में काम करना नहीं है, तुरंत दूसरे को बुला लेंगे. और जहां बुलाएंगे तो ठंडे पड़ जाएंगे. और अगर हम सोचेंगे कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा तो वो और चढ़ जाएंगे. तो इसलिए टू प्रॉन्ग करना है कि बी हार्ड, भारतीय में नाम रखे रहेंगे तुरंत. हम लोग ये हमने जिंदल में बहुत किया है, वहां पे क्योंकि 6000 आदमी कॉन्ट्रैक्ट के थे, प्रोजेक्ट वाला काम चल रहा था, टाटा से बड़ा प्लांट आया था 6 मिलियन टन का. तो डेली प्रॉब्लम आती थी, तो हम तो यही करते थे भाई जहां करोगे अगले 4 आदमी खड़े हुए. और थैंक यू मिस्टर वर्मा, अदर शुड आल्सो गेट चांस टू टॉक टू यू.
थैंक यू थैंक यू थैंक यू अग्रवाल साहब. सुनील खन्ना जी कुछ कहना चाहते हैं नोएडा से. सर थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल सेशन दैट यू हैड. यू हैड एक्चुअली टच्ड अपॉन ऑल द एरियाज ऑफ आवर यू नो आवर पेन एरियाज आई वुड से. One pain area that you touched upon but couldn't, you know, take it on the same, the previous question like it was asked. My question is, you know, we are a small organization. Mm-hmm. Now, in small organization, you know, we cannot do justification to the needs and requirements. You know, there are certain requirements which are beyond money also. Like people don't want to work under small organization. What they do is they come over, you know, get trained and then leave. Go to bigger companies, you know, because of the title or because of the social status or because of whatever reasons you see. So my question is, we train people, we to, you know, get them hands-on training, we make them industry, you know, workable, and then they leave it. How can we retain it? You know, the previous question was also by the gentleman was the same, but my question is not only money drives them, at times the title, at I am into engineering product company. So we train them, we give them everything that they want. You know, वो हमारे हैं और चले जाते हैं बड़ी-बड़ी engineering companies में या बड़े-बड़े manufacturers के पास. हम फिर वहीं के वहीं. So it has been for us, it has become my organization, my factory, my setup is a school for them. What do I do? You know, every third month, every sixth month, I am again sitting and you know waiting for some right people to come over. And then I train them, and again 6 months later, they are no more there with us, or 1 year maybe. So this is what is the pain area. How can we address to this, sir? You know what you are saying is the problem everywhere. You know, even in PSU government also the problem was there. The new people who used to come for training in the first 2 years, 25-30 people percent used to go, and everywhere. The situation of even say attrition is there, so some up to some extent though we have to bear because it cannot be zero. It is nowhere zero, and you know everyone takes advantage of the situation, and especially those who are in the you can say age group up to 30 find maximum attrition there, and as the age goes up then the turnover is less, and this we have to accept, because if you say it is zero it will never be zero. So this challenge we have to accept. And we have to have a workable plan कि भाई इतने लोग तो हम लोग करते देखो इतने लोग छोड़ेंगे तो इतना करना पड़ेगा. Every year turnover ले रहे लोगों को रख रहे हैं क्या करें भाई. You can't increase the salary. सर आप mathematics तो match कर सकते हो पैसे के तो कर सकते हो. You can always create a fund for it. But you know the knowledge bank that you give it to them. You know exactly. You are giving your designs. You are giving your own techniques. Your own you know minds you are passing on to the junior, and once he has you know taken up that now he leaves. So in a way you are a training ground only, nothing else. Smaller you know organization. This is a very big problem because they take all information from you, they take your time, and the moment they leave immediately one comes to the zero, then again he has to start. It is a very really big problem. I agree with you, and this problem is very common these days. Or is it one to ye hai, suppose you can have some sort of bond also. Suppose, do you have bond? Bonded labor is not allowed. You cannot bond people, you see. No, bond. You cannot bind people. Years. That's again against the law. It's not bonded. He's telling bond, not bonded. No, not bonded. Bonded. Sir, I mean, bond between you and your. Anything that is controlled by a bond is bonded, sir. No, not really. Suppose if you leave the organization before 3 years, you have to deposit this much money. This you can't do, sir. Believe me, this is against the law. अरे bond अभी भी चल रहा है सब. देखिए bonded labor नहीं. Bonded this is not the bonded labor. Bond में they have to go. They can give the money. Or what you can do? You can convince them कि भाई these are the advantage if you be here. Otherwise, you can always have a soft way. You cannot have the hard way. You can counsel them, but even then, they will. If they have to go, they will go. If they decided to go, they will go. So यही सबसे बड़ा चैलेंज यही तो मैं कह रहा हूँ कि अट्रैक्शन से ज़्यादा डिफिकल्ट है रिटेंशन ऑफ़ द मैनपावर. Yeah.
ये प्रॉब्लम हमने बहुत फेस की है, इंटेंशन इज मोर डिफिकल्ट देन द ऑब्जेक्शन. सुनील खन्ना साहब, आई थिंक आई हैव अ रिक्वेस्ट टू शेयर. इफ यू आर एबल टू अलाइन योर विजन अलोंग विद देयर करियर, प्रोबब्ली रिटेनिंग देम वुड बी मच इजीियर. ओह ओके. So by way of dialogue, if you are able to convey your plannings in the meetings as Mr. Verma was conveying, you know, you can retain them for some time, because young blood needs the growth. And if exactly. you pass on the growth to them, they will go nowhere. As you write, keeping bonded labor is not a possibility. Maybe Mr. Gupta can put a light on that. But otherwise, there's no other way we can retain them, because it's a free world. And you know, binds are like parachute, they work best in the open. So we cannot enforce things which are not desired. So I would, I mean, this is my opinion, maybe you know, Mr. Verma is the expert. That is what I implemented in my organization, and I think this can help all others. Thank you very much. Mr. Gupta, you are rightly saying, because if you share, that is why you share your vision, you share what company will be, what they will get in future. At least suppose if all will not leave, some person may be at least retained. Suppose abhi 10 log chhodenge, 10 mein 5 to bachenge. So at least we will be successful 50%. Okay, sir, I can add something, because this problem is faced by every industry, but there are some tools for handling that basically. So first of all, actually we have to select those people basically who are not qualified, overqualified. Actually, you know that they can go well, because if you keep them at training for some time, suppose I want some assembly work, so I can have some, you know, high school and it class pass training, I can train them for 3 years, they will stay, because they will not be getting job in the industry about whom Mr. Khanna was talking, because the established and big industry considers a lot of things, qualification, experience and everything. And secondly, as Kulmani ji have rightly said, if you are capable of explaining the workers that this is your future here, and these are the facilities you are enjoying, and they are giving, you know, some controls and the liberties, both kind of things, so they are happy, stress-free environment. I mean, you have to give a lot of those rewards which are not monetarily, but non-monetary rewards like this. So I think that can retain the people there. And one question I can clarify, or Khanna Saab, actually, if you are giving some training to a person and you are getting a bond for a service for 1 year or 2 years against that training, then it is not a bonded labor basically under law. It is a bond actually. Every company goes for that, because I'm imparting some cost on your training, so that you have to repay that to me, okay, if you leave that. So that sort of bond agreement is with that, with the surety rather. This is a tripartite agreement, not bipartite. Some surety is there, so that surety involves, and that surety ensures that he is retained there basically. So those kind of things after training, and actually we are imparting training and we are having a cost over there. So these kind of things are successful in many organizations, and all established and companies like corporate groups are going ahead with this kind of bonds, right? So that is a clarification also. And I think Verma Saab, you have given a lot of inputs actually. You are greatly motivated with inspired words. We are here, and basically your session has taught us basically a journey from good to great basically. Okay, so how we can go to a journey from good to great, that tips we have taken, and importance of leadership skills, and how a personality development is there, how a team is built, and how the team will work actually. That is the thing. Back to my mind, how you can become a leader basically, if your actions inspires others to dream more, learn more, do more, and become more, then you are actually a leader. So we have to inculcate these kind of culture qualities, and I think definitely if you are a leader, and it will, you know, you address the question of Sunil ji also. If you are a good leader, they will be having a belongingness to you, and for a small money, they will not go out. Number one, you have rightly distinguished between the manager and a leader. Actually, once manager says, I cannot do it, rather leader say, how I can do it. This is the difference basically. So we have to understand that also.
and all strategy for enhancing the knowledge that we have to inculcate. And you have rightly given the guideline ke how the knowledge will be imparted them and how participation and teamwork will work in retaining them. Workers' participation in management is very, very important. Involving the small schemes and all kinds of, you know, participation in management kind of thing, worker feels ke bhai management is giving full weightage to me, and I think they will be retained by you. And you know, very simple is that people do not decide their future, basically they decide their habits, and their habits of excellence decide their future. So we have to understand deeply this quotation, and you know, we should know how to draw greatness out of the people. It is not the people they will give you. We should know what are the tools actually, so that how we can draw the greatness amongst the people. And I think it's a good session, sir. You have given a good input, and basically in today's time. And I will read out one of my good shayari actually to help you. Zindagi mein mushkilein tamam hain, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है. जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है. क्योंकि जीना जब हर हाल में है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है, तो फिर मुस्करा कर ही जीने में क्या नुकसान है. तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, उसमें हमें मुस्करा के जीना है. और विद दिस वर्ड्स हमारे थैंक यू गुप्ता जी, इंस्पायरिंग वर्ड्स दिए थे. मैं बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू गुप्ता जी. मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहूँगा कि अब जब कि हम लोग अपनी ये मीटिंग समअप करने जा रहे हैं, अपने कुछ क्लोजिंग कमेंट्स आपकी तरफ से हैं पंकज जी. थैंक यू. डॉक्टर वर्मा ने जो के चल रहे हैं, उनको भी चेंज करना है. और मैं आपको बताऊं वर्मा साहब, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे यहाँ बहुत से हमारे साथी वो अपने ट्रेड को, अपने जो इस समय जो प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी बदलना चाह रहे हैं, बिकॉज उनकी डिमांड शायद आज उस स्तर पर नहीं है जो वो जिससे उनकी वायबिलिटी रहे. एंड देयर आर सेवरल यूनिट्स जो क्लोजर की वर्ष पे है. दिस इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हम लोग अपने इंडस्ट्री को, अपने ट्रेड को चेंज करने जा रहे हैं. तो एक आपने जो सबसे बड़ा एक टूल हमें दिया लीडरशिप का, हाउ टू बिकम अ गुड लीडर, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, सब कुछ हम ही है, नो डाउट कि इट इज अ टीम वर्क, लेकिन लीडर इज वी पीपल, वी ऑल एंटरप्रेन्योर्स हियर, दे आर द लीडर. उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की सोच में, उन्हीं के विजन से, उन्हीं की बात सुन के और हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी. और ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपने बहुत सारी टूल्स आपने हमें दिए कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं. हमारी अपनी टीम है ना, जो चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, हम उनको किस तरह से टैकल करें, उनको कैसे खुश रखें ऑर्गेनाइजेशन. तो देखिए बेसिक्स तो उसके शुरू से यही है, लेकिन आज की परिस्थितियों में कुछ नई चीजों की आवश्यकता और है, और आपने उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया. और मैं समझता हूँ कि हम उनको अपने अंदर विचार करके और अपने अपनाने की कोशिश भी करेंगे. एंड देयर आर सेवरल अदर सेशन जहाँ पर हम लोग इन चीजों को और डिटेल में कर सकते हैं. वर्मा साहब क्योंकि हमारे बीच आज हमारे अतिथि के रूप में है, एंड जैसा कि हमारे गुप्ता साहब ने उनके बारे में जो परिचय पढ़ा बताया उनका, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ कभी और भी हम लोग बैठेंगे, गुप्ता साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, और कुछ और नई चीजें जो हमारे अभी, क्योंकि एक या दो मेंबर ने जो पूछा है, मैं समझता हूँ इट शुड बी एक्सटेंडेड टू द अदर पोर्शन ऑफ द सीन. मैं समझता हूँ कि इन चीजों को अगर जो हम और डिटेल में हम आपसे बात करेंगे तो और चीजें हमारी निकल कर आएंगी. लेकिन इतना जरूर है कि लीडर बनना, लीडरशिप क्वालिटी रखना, एंड उसको हमें परिवर्तित करना अपने काम को अच्छा बनाने में, ये बहुत आवश्यक है.
और आपने जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी है, आई रियली सैल्यूट यू कि आज की परिस्थिति में हम लोगों को इसकी बहुत आवश्यकता भी है. एट द एंड आई विल डेफिनेटली से कि आपने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया है, और वाई के गुप्ता जी का तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि गुप्ता जी समय समय पर हमें अच्छे स्पीकर्स और ऐसे लोग जो कि हमारे इस पूरे परिदृश्य को परिवर्तित कर सकते हैं, हमारे पूरी इस समस्याओं का निदान भी हो सकता है, उनको लाते हैं और हम लोगों को एनलाइटन कराते हैं. दूसरा, मेरे साथी ने जो कहा, जो हमारे नोएडा के साथी थे, देखिए क्या है सुनील जी, मेरा ये मानना है जो वर्मा जी ने टिप्स दिए हैं उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यवहारिक, अगर जो हम उन्हें व्यवहार में ले आए तो शायद संभवत है. आपकी बात बिल्कुल सही है, एंड योर पेन पॉइंट वेरी वेरी कर है. हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे से, वी हैव बिकम ट्रेनिंग सेंटर्स, और ट्रेनिंग करवाने के बाद हमारे से आदमी जो कुछ ले सकता है ले जाता है और वो दूसरी जगह काम करने लगता है. अब समय आ गया है क्योंकि ग्लोबल कॉम्पिटिशन में हमें सुनील जी आना है, हमें अपनी टेक्नोलॉजी परिवर्तित करनी है, हमें अपनी चीजें अपनी आदतों को भी बदलना है. तो डिपेंडेंसी ना हो जाए ये भी हमें कहीं ना कहीं अपने इस मैकेनिज्म पे, इस टेक्नोलॉजी से सीखना होगा. तो सुनील जी, हमें अपने आप को बहुत बड़ा एक परिवर्तन के रूप में अपनी संस्थाओं के माध्यम से, आईए के माध्यम से हम लोगों को कुछ सीखना पड़ेगा. और वर्मा जी जैसे लोग अगर जो हमारे बीच आते रहेंगे लगातार और हमको कुछ सिखाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता की हो जाएंगे. सो आई रियली थैंकफुल टू डॉक्टर वर्मा फॉर एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, और बहुत ही नॉलेजेबल चीज थी हम लोगों को. मेरे ख्याल में समझता हूँ कि बहुत समय बाद अच्छा एक ज्ञान मिला है इसका. और इसी के साथ अपने सभी साथियों को भी मैं बहुत उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा. और वाई के गुप्ता जी चेयरमैन है हमारे, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के डेलीब्रेशन, इस तरह की जो वर्कशॉप्स और जो क्लासेस हैं, हम लोगों की अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं और टेक्निकल ट्रेनिंग है, वो हमें दिलवाते रहिए. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप पुनः आपका सभी का अभिवादन करता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अध्यक्ष जी. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. साथियों, जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी कहा, वर्मा जी ने भी कहा, मैं भी एक छोटा सा अनुभव भी शेयर करना चाहूंगा जो अभी हमारा खासतौर से जो हम लोगों की समस्या है. मैं खुद एक माइक्रो इंडस्ट्री ही रन कर रहा हूँ, मेरी स्मॉल भी नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ बॉन्ड की जगह अगर हम बॉन्डिंग की बात करें, अगर जैसा कि वर्मा जी ने बिल्कुल शुरू में कहा था कि हमारा जो स्टाफ है उसके संग हमारे संबंध इतने मधुर हों या इतने क्लोज हों कि वो हमारे टीम की तरह चलें, ना कि हम बॉस की तरह चलें, हम लीडर बने बॉस ना बने. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा जितना सीनियर स्टाफ है आज की तारीख में 10 साल से कम का कोई नहीं है, जबकि मैं सैलरीज वास्तव में बहुत कम देता हूँ. मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि हम लोग माइक्रो इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते बहुत ज्यादा सैलरी देना. लेकिन और मैं ये जानता हूँ, मैं रात को अगर 12 बजे उनको फोन कर दूं तो रात को 12 बजे वो लोग मेरे लिए खड़े होते हैं. ये मेरा एक्सपीरियंस है. और एक बार का नहीं है, मेरे यहाँ लगभग सीनियर स्टाफ कोई भी 5-7-8 साल से पहले नहीं जाता. ट्रेनिंग हम देते हैं, हम लोग लाते हैं, कुछ शर्तें मैं शुरू से लगा के चलता हूँ. मेरे यहाँ कुछ रूल्स वास्तव में टफ हैं, लेकिन मैं, और वो सबके लिए, जैसा वर्मा जी ने कहा भी था अपने स्पीच में कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी को भी ये ना लगे यार ये इसको तो ये फेवर कर रहे हैं और मुझको नहीं कर रहे हैं. पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर आदमी को ये लगता है बस मुझे छोड़ के सबको फेवर कर रहे हैं. इसको थोड़ा सा अगर हम बैलेंस करके चलें और इनको बिल्कुल अपना दोस्त, अपना साथी बना के चलेंगे, तो मैं समझता हूँ जो सुनील जी की प्रॉब्लम है, देखिए पैसे वाली प्रॉब्लम तो है, जो आदमी मेरे यहाँ 20,000 में काम कर रहा है उसे अगर 35,000 मिलेंगे तो छोड़ के जाएगा ही जाएगा. हाँ, 20,000 पे 22,000 या 24,000 के लिए वो जल्दी से नहीं जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा, सर 1,000-2,000 तो बढ़ा दो, माँ मुझे 25 मिल रहे हैं आप 22 ही कर दो, कम से कम इतना ऑफर मुझे वो जरूर देगा और देते हैं. तो आई थिंक कि अगर थोड़ा सा जो वर्मा जी ने हम लोगों को बताया, इन चीजों पर हम ध्यान दें. और जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी कहा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी हम आगे एक वेबिनार कर सकते हैं जिसमें हम डिस्कशन केवल इस टॉपिक पर करें कि हाउ टू रिटेन आवर स्टाफ एंड लेबर एंड हाउ टू ट्रेन देम. तो मेरे ख्याल से इट वुड बी अ गुड मूव. थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का, स्पेशली वाई के गुप्ता जी का.
थैंक यू सर। तो यहाँ पे आई विल लाइक टू से जैसे कि अभी इसमें आपका एक है लीडरशिप के साथ में एक प्रॉब्लम और आती है मेंटेनिंग टीम, टीम में कॉन्फ्लिक्ट होता है, हाउ टू मैनेज टीम, चाहे वो 10 लोग की टीम हो चाहे 2 लोग की टीम हो, लेकिन झगड़ा 2 लोग में होता है मेरे भी झगड़ा हो जाता है, तो उससे भी मतलब ऐसा है कि अभी कभी भी ये तो वेकेंट सीट अगेन, क्योंकि इस तरह के मेरे पास बहुत वर्केबल चीजें हैं, टीम का है आपका है जितनी चीजें है ना, तो आई विल बी हैप्पी टू शेयर मोर विद यू पीपल, ठीक है, तो कभी भी हो तो गुप्ता जी से अगर कहेंगे तो आई विल डेफिनेटली बी देयर, एंड इट वाज माय प्रिविलेज टू बी विद यू पीपल सच ए स्टारवर्ड। देखिए प्रॉब्लम हर जगह एरिया में आती है बट हम लोगों को मिलकर उससे निकलना है, चैलेंज लाइफ चैलेंज है ही, लाइफ इज चैलेंज, हर तरफ चैलेंज रहेगा, हम लोग सब मिलकर दूसरे को साथ देंगे आगे निकल जाएंगे। तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट सबसे इतने सीनियर लोगों से, चलिए हमें मुलाकात हुई आज, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू फॉर द एनकरेजिंग वर्ड्स, और आपका आपका सानिध्य मिला तो निश्चित रूप से हमारे साथी जो है उससे लाभान्वित होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें थैंक यू जीवन में हमें अदरवाइज भी, इट इज नॉट ओनली आवर एंटरप्राइज, जीवन में भी हमें ले जानी चाहिए, थैंक यू वेरी मच, इट इज माय प्रिविलेज, ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू।